उम्मीद है ये देखकर आपको भी अपना मास्टरपीस बनाने का मन कर गया होगा। आपकी सबसे अच्छी आर्ट टिप क्या है हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज भी पैसे कमाने का मौका, मैं किसी को क्लास में नहीं जाने दूंगी। यही रुक जाओ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ जरा रुको, डैडी को ये बताता हूँ, वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ठीक है, शुक्रिया। ये बस छोटे हैं, यही छोड़ देता हूँ। ये अमीर बच्चे भी ना। सिक्योरिटी गार्ड बहुत डरावनी है, मैं उससे बहुत नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है तो चलो, मैं कर सकती हूँ, बस नेचुरल रहो। फ्रीज। क्या ये चीज सेफ है? मैं जानती थी ऐसे ही होगा। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती, निकलो यहाँ से। तुम गरीब हो, इतनी बुरी तरीके से तो मत बोलो। ये क्या? आउच, बहुत जोर से लगी। ये मैं किस पर गिर गई? हाँ क्या ये डायमंड है? अरे हाँ ये तो डायमंड ही है। मुझ पे कुछ अलग लग रहा है, शायद थोड़ी स्पार्कल। तो मैं अंदर आ सकती हूँ? ये स्कैनर डिसाइड करेगा, कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ ये बता रहा है ये अमीर है। मुझे समझ नहीं आया, पर स्कैनर गलत नहीं बताता, तो तुम जाओ। सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। मैं क्लास के लिए तैयार हो जाती हूँ, मुझे अपनी बुक्स चाहिए होंगी। पता नहीं आज हम क्या पढ़ेंगे, उम्मीद है कुछ दिलचस्प हो। अरे वाह मैं टाइम पर आया हूँ, जेट में फ्यूल भरना था, तो जल्दी निपटाएं, मुझे डिनर पर भी जाना है। वो ये नोटबुक तो देखो। हाँ ये काफी खास है, अब जरा ये देखना। नहीं ये नहीं हो सकता। मेरा फोन देखो। पता नहीं मैं क्या देख रही हूँ, मुझे इसे छूने दो। ओ बिल्कुल नहीं। कूल है ना? मेरा इस पर कपकेक लगाने का मन है, नोटबुक पर लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ तुम जल सकती हो। मेरी नोटबुक बहुत बोरिंग है, मुझे कभी अच्छी चीजें नहीं मिलती। बहुत गलत बात है। एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। ये पिक्चर्स काटने से शुरू करेंगे। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है। ठीक है ये बस आखिरी है, पर अभी और भी काम करना बाकी है। मुझे रेसिपी को फॉलो करना चाहिए था। मैं आ रही हूँ, बुरा मत मानना, मुझे बस सही चीज ढूंढनी है। हाँ मैं यही तो ढूंढ रही थी। नहीं रिसॉर्ट नहीं, मुझे बेकिंग पेपर चाहिए, एकदम आराम से। वो बस मुझे देखना ले, ये होता है परफेक्ट क्राइम। बस थोड़ा सा और, बेकिंग पेपर को स्क्वायर्स में काट लेंगे। अब इसके ऊपर ड्राइंग्स रखेंगे, अब इसे टेप से कवर कर देंगे। ये स्मूथ होना चाहिए, कोई क्रीसेस नहीं आनी चाहिए। इन्हें अच्छे से काट लेंगे, एकदम आराम से आउटलाइन को फॉलो करेंगे। ये बढ़िया लग रहा है। अब बेकिंग पेपर को हटा देंगे और इसे नोटबुक पर लगा देंगे। ये अच्छा लग रहा है, ऐसा ही बाकियों के साथ भी करेंगे। वाह ये अभी से बेहतर लग रहा है, और पिज्जा को नहीं भूल सकते। हे एलेक्स जरा इसे देखो। क्या इसका कलर, ये इमेज, वाह मुझे पसंद आया। उम्मीद थी यही कहोगे। ये क्या चीज है? हाय मैं एक बोल उसका लूंगी। मैं कुक स्कूल में ये सीखने गई थी, पता नहीं ये है भी क्या। मैं इसे ग्रीन स्टफ कहती हूँ। ये लो, ये थोड़ा स्लाइमी है। जरा रुको, आराम से लिडल से हट जाओ। बोल कैसे चाहिए, हो गया, मजे करो। ये देखो श्री का खाना, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं ऑर्डर कर लूंगा। ये बढ़िया लग रहा है, लम से एक्स्ट्रा फ्लेवर आ रहा है। यम्मी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बहुत ही गंदा है, वो ये कैसे खा सकती है? बटलर, ये हुई ना बात। शुक्रिया बटलर, मुझे ऐसी ही बढ़िया चीजें पसंद है, एकदम ताजी सुशी से बेहतर और क्या होगा। स्वादिष्ट लग रही है, मेरे मुंह में पानी आ गया। रुको ये आवाज कैसी है? ये फ्लाई है, वो भी मेरी सुशी पर। अब मैं क्या करूं? ये खराब हो गई, मुझे उल्टी आ रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक फ्लाई तो है। हे एलेक्स मैं ये ले लूं? हाँ ले लो।
उम्मीद है तुम्हें बेहतर महसूस हो। चलो निकलो फ्लावर। फैंसी है, बहुत ही बढ़िया। इन्होंने मुझे फर्श पर बिठाया हुआ है, ऐसे काम करना बहुत मुश्किल है। हाँ? क्या पैसों की बारिश हो रही है, हो क्या रहा है? फिर उन्होंने मुझे एक डायमंड दिया। एक, सोचो जरा, क्लास शुरू होने वाली है। ओह, टाइम पर आ गई। ओह, मुझे जाना होगा, बाद में बात करेंगे। और तुम कहाँ जा रहे हो? यही रुक जाओ। क्या परेशानी है? जरा मुझे तुम्हें देखने दो, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। जैसा मैंने सोचा था, तुमने शर्ट नहीं पहनी हुई, वो हम देख लेंगे। डैडी, एक हेलीकॉप्टर भेजो अभी। ओह, ये क्या हो रहा है? खतरा, खुद को बचाओ। ओह, एक डिलीवरी खास मेरे लिए। शुक्रिया दोस्तों, मुझे यही तो चाहिए। चलो पहन लेता हूँ, ये काम करेगा। इसे टक इन कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। हाँ, वो तो मैं हमेशा दिखता हूँ। तो चलो, अब मैं क्लास में जा सकता हूँ। जरा रुको। हाँ, बेहतर है, सारी चीजें पूरी हैं। माफ करना, आप जा सकते हो। शुक्रिया। अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी टी शर्ट छिपा लेती हूँ। यही रुक जाओ, मुझे तुम्हारे कपड़े देखने होंगे। ऐसे हिलना बंद करो, मुझे ये गेम पसंद है। रुक जाओ, बहुत हुआ। टाडा, अच्छी कोशिश थी, मैं बस क्लास में जाना चाहती हूँ। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पेपर को इस तरह काट लेंगे, अब इसे नेक पर लपेट लेंगे। कितना प्यारा सा कॉलर बन गया। तो चलो। वाह, बढ़िया है, अच्छा है, कितना सुंदर कॉलर है। चलो जाओ। शुक्रिया। देखो एलेक्स, स्टाइलिश है ना? मुझे इटालियन सिल्क ज्यादा पसंद है, मैं अपने रूल्स खुद बनाता हूँ। मैं कॉलर नहीं पहनूंगा, इसे फेंक देता हूँ। सच में? मैं क्लास के लिए पेपर तो लाई हूँ ना। ओह, मैं तो ये भूल ही गई थी, मुझे ये इस्तेमाल करना होगा। फैशनेबल और प्रैक्टिकल, तुम्हारी शर्ट ये नहीं कर पाएगी। हाँ, बहुत मुश्किल है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है। मैं खुद परेशान हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई मतलब ही नहीं बन रहा। हर तरफ तो नोट्स हैं, मुझे इसे समेटना होगा। तो शुरू करते हैं। तुम ये ऐसे करने वाली हो? मैं तो ये इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, वो क्या है? हाँ? ये देखो, पेपर यहाँ डालेंगे, अब हैंडल को घुमाएंगे, पेपर श्रेड हो गया। और कितनी जल्दी हो गया। वो कमाल है, काश मेरे पास श्रेडर होता। ओह, अरे हाँ, मेरे पास खुद के श्रेडर्स हैं, और ये काम जरूर आएंगे। मजा आ रहा है। हो गया। हाँ, पर मेरा डेस्क तो साफ नहीं हुआ, अभी भी बहुत पेपर्स पड़े हैं। ये दिलचस्प है। वो कोई सोडा छोड़ गया, अभी कैन में और भी बचा है। क्या मैं सपना देख रही हूँ? मैं इसके मजे उठाऊंगी। ओह हाँ, पीकर मजा ही आ गया। हाँ, बहुत फनी है। हे भगवान, इतने सारे स्नैक्स, मैं इन्हें खाते हुए अपना फोन नहीं पकड़ सकता। फोन यहाँ रख देता हूँ। चलो भी, तुम्हें मदद चाहिए? ठीक है, मैं कर लूंगा। तुम शॉर्ट तो हो, देखना बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ क्या करना है, कैन में डेंट मार देंगे। ये ट्राई करो। वो कमाल है, ये परफेक्ट है, तुम तो जीनियस हो। चिप्स खाओगी? मुझे इंस्पिरेशन की जरूरत है, ये देखकर मुझे भूख लग गई। ओह, समझ गया, मैं हमेशा तैयारी के साथ आता हूँ। ये कैसा मजाक है? क्या, मुझे खाना है? तुम हमेशा पेट से सोचते हो। मॉम, कुछ करो। माफ करना हनी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दबाजी में कुछ अच्छा नहीं होता। मैं बोर हो रही हूँ, ये गलत बात है। थोड़ा जल्दी कर दो, एमा उदास है। ये मुझे दो, खुद चावल लेकर आओ। नहीं, देखो तुमने क्या किया। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, चावल हर जगह फैल गए। सर रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। एक पानी के ग्लास में थोड़ा फूड कलरिंग डालेंगे और फिर इसे मिलाएंगे।
अब इसमें चावल डालेंगे। अब मुझे ग्लू चाहिए। ड्राइंग पर ग्लू लगाएंगे सिर्फ ग्रास एरिया पर। अब हमें चावल चाहिए और इसे ग्लू पर डाल देंगे। ड्राइंग के अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। अब फालतू के चावल हटा देंगे। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हें कैसा लगा है माँ? वाओ, बहुत अच्छा है माँ। आपने क्या किया डैड? हाँ, तुमने कुछ कहा है माँ? रुको, ये क्या हो रहा है? अब एक ही चीज हो सकती है। मैं अपने परिवार के लिए क्या क्या करता हूँ? डैड, बुद्धू लग रहे हो। अब ये पूरा नहीं हुआ, मुझे पेपर चाहिए। जरा ये देखो, ये एक सेल्फ पोर्ट्रेट है। है तो बढ़िया, पर ये राउंड मॉम जीतती हैं। थैंक्स स्वीटी, अब तुम्हें कमरा साफ नहीं करना पड़ेगा। वाओ, ये मजेदार है। ओह, ये क्या है? जरा उसे देखो। ए माँ, वो नीचे रख दो। नेने। अभी क्या, अभी रुक जाओ। तुम मेरी बात सुन रही हो? ओ, उसकी आंख फड़क रही है, कुछ बुरा होगा। आराम से, ये ट्राई करो। दो मुझे। मेरी टेंशन थोड़ी कम हो रही है। ये बेहतर है, तुम मुझे समझते हो। रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले ट्री बनाएंगे। नेचर अच्छी चीज है। ब्रांचेस और ट्रंक के लिए ब्लैक पेन सही रहेगा। ये अच्छा लग रहा है। अब एक बबल रैप का स्क्वायर लेंगे और इसे पेंट में डिप करेंगे। पिंक और व्हाइट को मिक्स कर लेंगे। इसे ड्राइंग पर डैब करेंगे। ये लीव्स जैसा इम्प्रेशन दे रहा है। कितनी खूबसूरत ट्री है। तुम्हें पसंद आई है माँ? उप्स, मैं भी ना। वाह माँ, ये तो कमाल का है। हे, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं कैसा लग रहा हूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं एक आर्ट हूँ। क्या सच में? बहुत अच्छे डैड, और विनर है मॉम। दोबारा? वाह, क्या बात है। सच में? मैं बबल पॉप कर दूं। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। स्नैक टाइम। कितने सारे ऑप्शंस हैं। 50 सेंट्स। और ये कितने के हैं? समझ नहीं आ रहा। जरा इसे तो देखो, कितनी क्रीम है। मुझे यही चाहिए। वाह, तुम मेरे साथ चलो। हाँ, क्यों? सोचना भी मत मैथ्यू। तुमने सुना ना? हटो। हे भगवान, बहुत हल्के हो। नहीं। वाओ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे हाँ, आखिरकार। मैट, हाय। मैं तुमसे बदला लूंगा। अब ये खत्म नहीं हुआ। आराम से बैठे हो ना, क्योंकि अब ये टाइट हो जाएगा। डिजर्ट के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर मिलेंगे। पैर में खुजली हो रही है। दोबारा से मंडे आ गया। हाँ, यहाँ पर बहुत ठंड है। हाँ, शायद बस आज टेस्ट ना हो। हाँ हाँ, बिल्कुल, मैं वैसे भी नहीं पढ़ता। तो क्लास, आज टेस्ट है। अरे हाँ, देखा, तुम समझ गए। मतलब ये जानना चाहती हो ये कैसे किया जाए? पहले नेल्स लगाएंगे। और जब ये अच्छे से चिपक जाए तो उसी साइज का पेपर इसके ऊपर चिपकाएं। बहुत आसान है। ये रहे सारे जवाब। अरे वाह, तुम्हारे कहाँ है? जरा देखो तो। हाँ, मेरा सोडा। डो, टडा, ये रहे। मैं बहुत तेज हूँ ना। इसे बनाना भी बहुत आसान है। बस इसे उल्टा करना है और यहाँ पर जवाब लिखने हैं।
अब उसे दोबारा सीधा कर देंगे। कमाल है। हाँ मैं जानता हूँ। तैयार हो? ओ हाँ हाँ, मैं हमेशा से तैयार हूँ। वाह, अब इसे उल्टा करेंगे। ये रहे, यही वो समय है। हेलो दोस्तों, एक सेकंड रुको, टाइम खत्म हुआ। बहुत अच्छा किया क्लास। मुझे क्या मिला? और मुझे शानदार, हमने कर दिखाया। वाहू! अब हम घर जाए। हाँ, क्लास खत्म हुई, चलो यहाँ से चले। बाद में बाहर चलना चाहोगी? खैर, मैं सफाई ही कर लेता हूँ। ये बच्चे कितना गंद मचाते हैं। जरा ये देखो, ये समझते ही नहीं। हाँ अब ठीक है, कितने बुरे निशान है। मैंने कर दिखाया। वो कहाँ है? मैंने वो पकड़ डेस्क पर ही छोड़ा है। कुछ हुआ है बच्चे? मेरे डेस्क पर स्क्विशी टॉय पड़ा था, आपने उसे देखा? वो मेरा फेवरेट था। माफ करना बच्चे, मुझे नहीं पता। चलो अब मुझे काम करने दो। रुको, एक बच्चा इतना गंद कैसे मचा सकता है? ये जाएगा कचरे में। मैं उसे बताता हूँ। हाँ ये भी कचरा है, सब इसमें डाल दिया, अब इसे कचरे में डाल दूंगा। तो चलो, शायद मैंने उसे कचरे में डाल दिया। ठीक है, पर मैं कुछ कर सकता हूँ। ये स्पंज काम आ सकता है। आप चाहते हो कि मैं साफ करूं? पहले क्ले को सॉफ्ट कर लेंगे, अब इस ग्लास से इसे प्रेस करेंगे और वही थिकनेस आ जाएगी। एक स्पॉन्ज का पीस काटेंगे और इसे क्ले के बीच में लगा देंगे। अब इसे कोनों से मोड़ेंगे, इसे अच्छे से कवर करना होगा। अब इसे ग्लास से दोबारा स्मूथ करेंगे, इससे एक बहुत ही स्मूथ स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल इसी तरह। चलो अब आर्ट शुरू करें। क्ले पर एक चेहरा बनाएंगे और इसकी स्माइल बहुत बड़ी होगी। और भी कैरेक्टर्स बना लेते हैं। देखो कितने सॉफ्ट और स्क्विशी है, ये तुम्हारे लिए है। वाह, ये तो शानदार है। वाओ, मुझे पसंद आए, शुक्रिया। ओ, अरे नहीं, कोई बात नहीं बच्ची। एक मिनट रुको, ये फर्श, मेरा साफ सुथरा फर्श गंदा कर गई। हाँ अच्छा लग रहा है, आईब्राउज परफेक्ट है, थोड़ी सी लिपस्टिक। शुक्र है ये करने के लिए टाइम है, मुझे तभी आर्ट क्लास पसंद है। मैं खुद ही एक मास्टरपीस लग रही हूँ, पर डेविड की पेंटिंग नहीं लग रही। मैं अपना मेकअप पूरा कर लेती हूँ, विंग्ड आईलाइनर लगाऊंगी। ये बेहतर है, चलो दोबारा ट्राई करें। मैं ये लुक नहीं चाहती थी, ये इतना मुश्किल क्यों है? हाँ तुम क्या कर रहे हो? पेंटिंग से टेप हटा रहा हूँ। कितना कूल इफेक्ट है ना, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, इससे मुझे एक आइडिया आया, मुझे बस टेप चाहिए। आहा, की काम आएगा, मैं बहुत अच्छी दिखने वाली हूँ। मैं इस तरह अपनी नाक के नीचे चेहरे पर टेप लगाऊंगी, अब आंखों के साथ में भी टेप लगाएंगे। ये अजीब लग रहा है, पर भरोसा रखें, बस इस आईलाइनर को स्मर्ज करना है और टेप स्टेंसिल की तरह काम करेगी। जब हम इसे हटाएंगे तो ये आ गया परफेक्ट विंग लाइनर। अच्छा लग रहा है ना, और ये बहुत आसान है। हे डेविड, यहाँ देखो। वाह, तुम ये रख लो। थैंक्स। ये बहुत बोरिंग है, मेरे पास अभी बहुत काम है, मैं आराम कर सकता हूँ, बस आज थोड़ी मस्ती हो जाए। आईपैड यहाँ रखता हूँ। ओह, मुझे इसके नीचे कुछ रखना होगा, ये नहीं चलेगा। अरे चलो भी, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, शायद मैं जानता हूँ क्या करना चाहिए। झांकना मत, इंतजार करो। ये हुई ना बात, कितना बढ़िया स्टैंड बन गया, ये क्लास वर्क से काफी बेहतर है। पहले फोल्डर खोलेंगे और कोनों पर ग्लू लगाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसकी शेप भी आईपैड जैसी हो। फैब्रिक के स्ट्रिप्स लेंगे और ग्लू पर लगा देंगे, बस ये टिका रहे। अब इसके अंदर आईपैड डालना है, इससे टिका रहेगा। मैं स्मार्ट हूँ ना, बहुत ही बढ़िया चैनल है। डेविड क्या चल रहा है? ओ, मुझे इसे छिपाना होगा। ये दिलचस्प है, लगता है सब ठीक है। गुड बॉय, बहुत अच्छा कर रहे हो। बिल्कुल, तुम्हें कहा था। कितना फनी है।
ये रहे तुम्हारे टेस्ट रिजल्ट्स। मैं जानती थी ए ही मिलेगा। ये क्या, एक कैप? अरे नहीं, और मुझे ए मिला। अरे वाह, मैं तो एक नर्ड से भी स्मार्ट हूँ। कूल। ओ, नाराज मत हो, मैं ठीक कर सकता हूँ, भरोसा रखो। मैं इस ग्रेड को काट देता हूँ। तुम्हें सच में एफ मिला है? माफ करना, ये बोलना ठीक नहीं था। हाँ, अब मैं इसे इससे बदल देता हूँ। हम इस पेपर को करेक्शन फ्लूइड से जोड़ेंगे। तुम क्या कर रहे हो? जरा इंतजार करो। हाँ, हो गया। ये लो। हाँ, रुको, मैं दोबारा स्मार्ट हो गई। शुक्रिया डेविड, क्या बात है। रुको, ये तो टेस्ट पेपर ही गलत है। अरे हाँ, लगता है मुझे दोबारा ये मिला है और मैं स्मार्ट नहीं हूँ। हाँ? नहीं। वाओ, इन सभी आर्ट को देखो। हे, इसे देखो, ये बेहुदा लग रहा है। चलो भी चले, अभी देखने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, वो क्या था? ओह, कैंडी। अपना हाथ हटाओ, इतनी जल्दी नहीं, ये मेरी है, मुझे चाहिए। पहले मैंने देखा, छोड़ दो, मुझे दो। नहीं, कैंडी की बारिश। मेरे प्यारे बाल। शैतानो, ध्यान से, अब तुम बड़ी मुसीबत में हो। सीधे रहो, मेरे बालों से कोई पंगा नहीं ले सकता। वाओ, ये कौन सी जगह है? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। मैं सुंदर लग रही हूँ? ओ, ये अच्छा नहीं हुआ, मैंने रूल्स नहीं बनाए। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा। तुम सो मत जाना। रुको, ये देखो, एक मिस्टीरियस चेस्ट। चलो इसे देखें, ये शानदार है। क्या ये सच में हो रहा है? हाँ, ये तो सच है। मुझे एक सेकंड दो, मुझे कुछ ढूंढना होगा। हे, तुम क्या कर रहे हो? एव, बदबूदार गार्लिक, ये क्या है? इसे मुझसे दूर रखो। इसमें कुछ नहीं बचा। मुझे सोचने दो, शायद मैं इसे यूज कर सकता हूँ। चलो करके देखें। बैग को इस तरह पकड़ो, फिर मैं पेंट ब्रश पकड़ूंगा। मैं बैग को येलो पेंट करूंगा। मैं बॉटम को कवर करूंगा। उसके बाद मुझे ब्लैक कार्ड की एक शीट चाहिए। मैं बैग को उसके ऊपर प्रेस करूंगा। अब समय है आर्ट करने का। ये मजेदार है, मैं इसे पूरे कार्ड पर करूंगा। वाओ, जरा ये देखो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं किनारों को पेंट करूंगा, उसके बाद डिटेल्स ऐड करूंगा। ये अपनी शेप ले रहे हैं। चलो अब ऑरेंज पेंट यूज करें। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है। देखो, ये तैयार है। मैं इससे बहुत खुश हूँ, ये बहुत सारे ऑरेंजेस हैं। वाओ, काश मुझे अभी जूसी ऑरेंज मिल जाए। बटलर, तो मैं इसी के बारे में बात कर रही थी, मुझे यही चाहिए था। अच्छी खुशबू है। ओह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्या मुझे भी एक स्लाइस मिल सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सब मेरा है और मैं इसे किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। ये शानदार है, मुझे कुछ हो रहा है। ये टेस्ट सेंसेशन है, मैं इसे इंस्पायर हो गई। चलो करें। मैं स्पंज के ऊपर रेड पेंट लगाऊंगी। मैं पूरे में नहीं करूंगी, एक छोटा सेक्शन ग्रीन का भी पेंट करूंगी। ये काम करना चाहिए। अब समय है पेंट करने का। इसे स्वीपिंग मोशन में करें, इससे बढ़िया वाटरमेलन बनेंगे। वाओ, जैसा मैंने सोचा था, ये उससे बेहतर है, पर अभी भी सही नहीं है। इन्हें ब्लैक सीड्स की जरूरत है। मैं इसके लिए ब्लैक पेन का इस्तेमाल करूंगी। मैं इसे हर एक वाटरमेलन पर करूंगी। मेरे मुंह में पानी आ रहा है, ये शानदार है, ये खाने में अच्छा लग रहा है। मैं जीनियस हूँ। रुको, क्या हुआ? क्या ये मैंने किया? वाओ, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसा पेंट कर सकती हूँ। हमने बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। मैं सोच रही हूँ अगला क्या होगा। ये एक्साइटिंग है, चलो देखें। आ, देखो, ये बबल है, ये बहुत मैजिकल है। इसे जरा देखो, ये फट गया। हाँ, ये मजेदार था। इससे मुझे आइडिया आया, मुझे अपने बैग से कुछ चाहिए। हाँ, ये रहा मेरी फेवरेट बबल गम। स्वादिष्ट, ये बेस्ट है। मैं इसे स्क्वीज करूंगी और ये आ गई। इससे काम बन जाएगा, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बहुत गूई है। ठीक है, ये देखो, मैं एक बबल फुलाऊंगी। मुझे देखकर अच्छा लगा। अब तुम क्या करोगी? बस देखते जाओ। मैं इसके सामने एक पेपर पकड़ूंगी, उसके बाद इसे फोड़ दूंगी। मुझे अच्छा लगा,
और मुझे परफेक्ट बबल मिल गया। बहुत अच्छा है ना? मैं इसे कैसे हराऊंगा? ओह, वो क्या है? मजे करने का समय है। मैं अपना एक शू लूंगा। उम्मीद है ये काम करे। स्टेडी, मेरा टावर। नहीं तो ऐसा है। हाँ, आ रहा है। आउच, लग गई। एक सेकंड रुको, मेरे पास आइडिया है। मैं ट्यूब को पेंट करूंगा, पर सिर्फ रिम को। मैं पूरे इसमें व्हाइट पेंट करूंगा। इससे काम बन जाएगा। अब मुझे ब्लैक कार चाहिए। मैं ट्यूब को घुमाऊंगा, उसके बाद पेंट को कार्ड के ऊपर प्रेस करूंगा। मुझे बहुत से छोटे सर्कल्स चाहिए। मैं इसे हर जगह करूंगा। अब इसमें और कलर ऐड करूंगा। इससे ये बबल्स जैसे दिखेंगे। वो ये शानदार है। यहाँ बहुत सारे बबल्स हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये ठीक है। मेरा ज्यादा अच्छा है। चलो इसे टाई बोल दे। सुनकर अच्छा लगा। थोड़ा सा रूज और ये तैयार है। बहुत खूबसूरत। ब्रश से गुदगुदी हुई। ब्रायन देखो, मैंने फिर से कर दिखाया। ये है तुम्हारा पहला चैलेंज। हम ये कैसे करेंगे? ये मुश्किल है। जरा रुको, मैं समझ गई। मुझे अपने बैग में से कुछ चाहिए। मेरे पास यहाँ सारा सामान है। नहीं, ये नहीं चलेगा। आहा, ओ, तो ये यहाँ था। जब ये खोया तो थोर को बहुत गुस्सा आया था। मेरे पास और क्या है? सच में रुको, ये काम आ सकता है। इसे एक पेपर की शीट पर रखेंगे। अब इसके आसपास ड्रॉ करेंगे। इससे परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। हाँ, बन गया। अब येलो पेंट में पोप डिप करेंगे और सर्कल को इस तरह फैला देंगे और एक कार्ड को वॉफल कोन की तरह बना लेंगे। एक प्यारा सा चेहरा बनाएंगे। ये पॉम पॉम से सुंदर से कान बन जाएंगे। हाँ, कितने प्यारे हैं। जरा इन्हें देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद आएंगे। देखो तो सही, कितने प्यारे हैं। वाओ, ये कोई मजाक है? क्या कमाल कर दिया। मैं इसका मुकाबला कैसे करूँगा? शायद इसमें कुछ काम का हो। कॉटन पैड्स, बोरिंग। जरा रुको, इसके अंदर ग्लू है। अगर मैं इसे, हाँ, एक कार्डबोर्ड की पीस पर इस तरह ग्लू डालेंगे। इससे स्पाइरल बना लेंगे। इसके ऊपर कॉटन पैड्स लगा देंगे। अब मुझे एक पेन चाहिए। एक कोन बना लेंगे। अब इसे फिल कर देंगे। इस तरह लाइंस बनाएंगे। ऐसा ही दूसरी तरफ से भी। अब इसे काट लेंगे। मुझे वेनिला आइसक्रीम इतनी पसंद नहीं है, तो इसमें कलर करते हैं। वाओ, बढ़िया लग रहा है। काफी बढ़िया है। तुम्हें कैसा लगा? सुंदर है ना? हाँ है तो। हे आर्टिस्ट, देखो। क्या? नहीं, उसे इग्नोर करो। ओह, तुमने बना लिया। कितने सुंदर पेस्टल कलर्स इस्तेमाल किए हैं। देखकर मन खुश हो गया। वाह, एकदम मजा आ गया। पर विजेता कौन है? चुनना मुश्किल है। इसका एक ही हल है। तुम दोनों जीत गए। सच में? वाह, वाहू। जरा देखिए, यह है मेरा लेटेस्ट मास्टरपीस, स्वादिष्ट तरबूज। मैं इसका क्या करूं? चलो भी सोचो, ये थोड़ा ट्रिकी होगा। आउच, ये चुभ रहे हैं। मुझे शेव करना होगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मैं क्या सोच रहा हूँ? शेविंग फोम को इस बोल में डालेंगे। मजेदार है। हर सेक्शन को भर लेंगे, इतना काफी है। इसमें ग्रीन फूड कलरिंग डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब शेविंग फोम को इस प्लेट पर डालेंगे, कोने तक फैला देंगे। अब बीच में रेड शेविंग फोम लगाएंगे। इसके ऊपर ब्लैक बीज डालेंगे। जब ये सख्त हो जाए तो प्लेट को आधा तोड़ लेंगे। ये स्वादिष्ट वाटरमेलन स्लाइस है। मैं इसे अभी ही खा सकता हूँ। मैं क्या ही बोल रहा हूँ, मैं इसे नहीं खा सकता। ये मेरा आर्ट है। ये यहाँ से सॉफ्ट और स्क्विशी भी है। अरे वाह, मैं उससे ये उधार ले सकती हूँ। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पहले मुझे एक जिपलॉक बैग चाहिए। अब रेड शेविंग फोम और बीज भी। इसे बैग में डालेंगे। ऊपर ग्रीन कलर का एक कार्ड लगाएंगे। पूरे कार्ड को कवर कर लेंगे। इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये चिपक जाए। बढ़िया लग रहा है। अब एक मजेदार हिस्सा, इसे पोप करेंगे। ओह हाँ, मजा आ रहा है। कितना रिलैक्सिंग है। मुझे भी ये चाहिए। हे, यहाँ देखो, इसे देखो। नहीं, ये आर्ट सबसे अच्छा है। मुझे चुनो। वाह, इतना जबरदस्त। तुमने बिल्कुल नेचुरल बनाया है। और यहाँ पर क्या है? ओह, ये थोड़ा सादा है और इसमें कुछ जबरदस्त नहीं है। तो ये ब्रायन जीतता है। वाह, मेरी मॉम को मुझ पर बहुत गर्व होगा। ओह हाँ, मुझे मदर नेचर से इंस्पिरेशन मिली। एक रोज, ये कोई मजाक चल रहा है। अब मैं इसका क्या करूँ? रुको, मिल गया। ये रहा एक रोज। ये सुंदर है ना? तुमने कुछ कहा, आर्ट के लिए सोचना पड़ता है ब्रायन। इसका क्या मतलब हुआ?
मुझे लगा था ये काम करेगा। अगली बार कोशिश करना। ओह, एक टॉयलेट पेपर, ये कहाँ से आ गया? ये ऑब्वियस है, ये तुम्हारा ही होगा, है ना? नहीं, मैं तो सुबह ही गया था। तो ये राज राज ही रह जाएगा। सुनो रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। रोल में से कुछ शीट्स लेंगे, इसे पानी में डुबोएंगे, बस ये अच्छे से गीला हो जाए तो फालतू का पानी भी निकाल देंगे। अब इन्हें पेपर कप में डालेंगे, इस पर रेड पेंट डालेंगे, इतना काफी है। अब इसे साथ में मिक्स कर लेंगे, टॉयलेट पेपर को तोड़ लेंगे और पेंट से कवर कर लेंगे। मैंने रोज की एक ड्राइंग बना ली है, अब इस पर ब्रश से पेंट कर देंगे। वाह, ये कितना कलरफुल लग रहा है, मुझे पसंद आया। और टॉयलेट पेपर से इसे बहुत बढ़िया टेक्सचर मिला। यक्स, मैं इसका मुकाबला कैसे करूंगा, मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा। लेकिन उम्मीद है मॉम ने मुझे लंच दिया हो, वो मुझे कभी निराश नहीं करती। पर अब क्या करूं? ये लो, वो कराटे लेसन काम आ रहे हैं। मुझे बस ये रूट वाला सेक्शन चाहिए। इसे रेड पेंट में डिप करेंगे, इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। अब इसे व्हाइट पेपर पर लगाएंगे, इसे प्रेस करेंगे और ट्विस्ट करेंगे। देखते हैं ये कैसा दिखता है, बिल्कुल रोज की तरह। अब मुझे ग्रीन पेंट चाहिए, इसे इसकी लीव्स बनाएंगे, दोनों साइड पर पेंट करेंगे, इसे काफी अलग दिखेगा। जी हाँ, मेरा काम पूरा हुआ। अब जरा ये देखो, ये तुम्हारी शुरुआत है। चलो भी, तुम्हें पता है कि ये अच्छा है। वाह, ये तो बिल्कुल स्टेन्ड ग्लास विंडो जैसी लग रही है, मुझे बहुत पसंद आई। ब्रावो। आउच, ये मैंने क्या देख लिया, ये कोई मजाक है? कम से कम तुमने कोशिश की, ये चुनना आसान है। ये मियाँ जीतती है। हाँ, कहा था ना? हाँ, ये गलत बात है। ठीक है, ये पीस तो पूरा हुआ। मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, पर मुझे लगता है ये मास्टरपीस है। मैं इसे ईजल पर सेट कर देता हूँ। वाह, मुझे बहुत पसंद आया। ओह, बबल्स, मुझे इसके लिए रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हाँ, देखो ये कितने सारे हैं। मुझे बबल्स पसंद है। हे, मैं आ गया। ओप्स, मैंने पेंटिंग गिरा दी। ये मेरा मास्टरपीस था, इससे अच्छा मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। एक सेकंड रुको, बबल्स, मुझे इससे बहुत अच्छा आइडिया आया। ये रही प्लास्टिक बॉटल, मैं इसके ऊपर से काटूंगा, जहाँ से ये खुला है वहाँ पर एक नेट लगाएंगे। अब हम इस ग्लास पेन में थोड़ा साबुन डालेंगे, इतना काफी होना चाहिए। अब नेट के एंड को साबुन में डालेंगे और ये साबुन नेट में अटक जाएगा। अब इसमें पेंट डालना है, मैं ब्लू डालूंगा और रेड भी, फिर येलो, बबल, ये रंग तो डल ही चाहिए। देखो, अब हम बबल फुलाना शुरू करेंगे, बस ध्यान रहे कि हम कैनवस के पास ही हों। अब ये बड़े बड़े फोड़ देंगे। ये देखो, लगता है काम पूरा हुआ। हे, तो तुम्हें ये कैसा लगा? वो आपने ये कैसे किया? मुझे बस बबल से इंस्पिरेशन मिली और मैंने ये बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रैंडपा, मुझे पसंद आया। बबल्स बहुत बढ़िया चीज है। ये ठीक नहीं रहेगा, ये बढ़िया है। ठीक है, लगता है काम हो गया। मैं इसे अस्थि वाले से कंपेयर करता हूँ। ये तो बिल्कुल नहीं बना। वो यही है, मैं छिपकर अंदर जाऊंगा, उन्हें बहुत पसंद आएगा। ओह, ये क्या है? ये तो बुरा हुआ, लगता है उनका आज का दिन अच्छा नहीं है। ओह, जरा उन लाइट्स को तो देखो, इससे मुझे बहुत अच्छा आइडिया आया। ये रहा बॉक्स फ्रेम, तो हम इसे खोलेंगे और ये रही फेरी लाइट्स, इन्हें स्ट्रेच कर बॉक्स के फ्रेम के अंदर लगा देंगे। हो गया, अब इसे वापस लगा दो। वाह, कितना बढ़िया है ग्रैंडपा, बॉक्स में लाइट्स, ये है क्या? ओह ग्रैंडपा, चलो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अपनी पिक्चर लो और इसे ग्लास के ऊपर रख दे। ओह अच्छा, वाह ये तो चमक रही है। मैं समझ गया, ये ट्रेसिंग बॉक्स है। अब आपकी पिक्चर दोबारा बना सकते हो। ठीक है, मैं ट्राई करके देखता हूँ, बस मुझे इन लाइन्स के ऊपर ऊपर ही तो बनाना है। वाह, ये बहुत अच्छे से बन रहा है, काफी आसान है, बस कुछ आखिरी डिटेल्स बनानी है। अब सही रहेगा, आखिरकार मास्टरपीस बन ही गया। मुझे सिर्फ एक फ्रेम और कुछ लाइट्स चाहिए थी। तुम्हारे तोहफे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा फर्स्ट था। ओह पेंटिंग, तुम मेरी सबसे ज्यादा मनपसंद पेंटिंग हो। आह,
ग्रैंडपा, देखो तो मेरी पेंटिंग पर मत आ गिरना। सच में ये बहुत बुरा होने वाला था अगर वो सच में इसके ऊपर लग जाते तो। ओप्स, जरा रुको, मेरे सूट जैकेट पर पेंट लग गया। ओप्स, मेरी पेंटिंग। नहीं, ओह कितना बुरा होता, मैं तो वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। ओह मुझे एक और अच्छा आइडिया मिला। एक्सक्यूज मी ग्रैम्स, मुझे ये चाहिए। ठीक है, ये रहा हेयर स्प्रे, अब इसका काम शुरू करते हैं। मैं बस अपनी पेंटिंग पर एक लेयर बनाऊंगा, इसे पूरा कोट करने के लिए इतना काफी होगा। लो, और जब ये सूख जाए तो ये बिल्कुल सुरक्षित है। देखो, हाथ पर बिल्कुल पेंट नहीं लगा। अब ये ग्रैंडपा के कुछ भी करने से हिलेगा भी नहीं। ओह, हे, तुम ठीक कह रहे थे, ये काम किया। मेरी जैकेट पर कुछ भी नहीं है। फिर शुक्र है मैंने पहले सोच लिया था, अब मेरी पेंटिंग बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, एक और टॉयलेट पेपर ट्यूब, मेरे साथ आओ और मेरा टावर पूरा करो। हाँ, मेरा कैसल पूरा हो ही गया, बहुत खूबसूरत है। ग्रैंडपा, क्या आप यहीं हैं? मुझे मेरे ग्लासेस नहीं मिल रहे, मुझे उनके बिना कुछ नहीं दिखता। आप कह सकते हो कि मैं अंधा हूँ, ऐसे अपने हाथ मत हिलाओ। नहीं, मेरा प्यारा कैसल अब ये गिर गया है, मेरी इतनी मेहनत पर पानी फिर गया। सुनो, ये रहे तुम्हारे ग्लासेस, इसे लो और निकलो यहाँ से। आप उदास क्यों लग रहे हो, क्या हुआ है? मेरे सारे सपने टूट चुके हैं। वो बहुत उदास है। हे रुको, मैं ठीक कर सकता हूँ। गिर रही एक टॉयलेट पेपर ट्यूब, इसे फोल्ड करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगी। अब हम इसे सर्कल्स में काट लेंगे। परफेक्ट, जैसा सोचा था वैसा ही ये काम किया। अब अगला स्टेप, ग्लू गन की बारी। बस आखिर में हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। बढ़िया, अब हमें एक और रिंग चाहिए, ये वाली चलेगी। इसे हम दूसरे के साथ जोड़ेंगे। बढ़िया, मैं इसे ऐसा ही बनाना चाहता था। अब हम इस पे और रिंग्स लगाते जाएंगे। ये देखो, हमने रिंग्स का पूरा सर्कल बना दिया। अब हम इसमें और लगाएंगे, दो दो के बीच में एक एक। ये देखो, अब इस पिंक पेंट से इसे पूरा रंग देंगे। ग्रैंडपा, देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। मुझे पता है आपको आर्ट बहुत पसंद है। क्या तुमने टॉयलेट पेपर ट्यूब से ये बनाया? हाँ बिल्कुल, और देखो हम इसे दीवार पर सजावट के तौर पर भी टांग सकते हैं। ये देखो, तो आपको कैसा लगा? ये बहुत जबरदस्त है, मुझे पसंद आया। अब मैं देख सकती हूँ मॉम। हैप्पी बर्थडे। ये थैंक्स मॉम। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। सच में मेरे लिए? तुम इसकी हकदार हो हानी। वाओ, इसमें क्या है? ओह कितना एक्साइटिंग है, मुझे सरप्राइजेस पसंद है। वो क्या ये आईपैड है? वाओ थैंक्स मॉम, मजा आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। आई लव यू हनी। मेरे पास एक आइडिया है, मैं कुछ ड्रॉ करूँगी। ओह ये बढ़िया है, सुंदर बटरफ्लाई। वाओ कितना आसान था। रुको, ये क्या हो रहा है? वाह ये देखो, ये तो जादुई है। मैं और क्या ड्रॉ करूँ? एक आइडिया है, क्यों ना मैं? हाँ हाँ मैं जरूर करूंगी। बहुत सारा कैश ड्रॉ करेंगे और अब इंतजार करेंगे। कुछ हो रहा है, लगता है ये काम कर रहा है। वो वाह देखो कितना सारा कैश। वाओ मैं अमीर हो गई, इतने पैसे पहले कभी नहीं देखे। असली है, मैं बाद में शॉपिंग पर जाऊंगी, पर पहले मुझे कुछ और भी ड्रॉ करना है। तो चलो पहले इसकी आउटलाइन बना ली है, अब इसके ऊपर पेन चलाएंगे, अब आंखें बनाएंगे। अभी से अच्छा लग रहा है। और अब इसकी नाक और इसकी मुस्कुराहट, इस तरह। अब इसकी बॉडी की बारी। जैकेट कितनी कोजी लग रही है, मुझे भी ऐसी एक चाहिए। मेन पार्ट हो गया है, अब और डिटेल्स पर काम करेंगे। बंदाना पर लोगो बनाएंगे
कुछ ऐसा स्पाइरल सा बना देंगे। अब इसमें कलर करेंगे, बालों के लिए येलो कलर इस्तेमाल करेंगे, लगता है इस पर ब्लॉन्ड होना सूट करता है। बैंडाना के लिए ब्लू कलर इस्तेमाल करेंगे, ब्लू के अलग अलग शेड्स लेंगे। अब शैडोइंग करेंगे, हमें कॉन्ट्रास्ट बनाना है, इसे मेटालिक लुक देंगे। कितना बढ़िया लग रहा है। स्किन के लिए लाइट पिंक कलर इस्तेमाल करेंगे, नाक के नीचे और कानों पर डार्क पिंक इस्तेमाल करेंगे। मेरी ड्राइंग्स को और असली दिखाने के लिए आईपैड काफी काम आ रहा है। बस हमें ऐसी जगहें देखनी है जहाँ पर लाइट आए और उस हिसाब से टोन्स चूज करेंगे। नेक पर हम पिंक का डार्क वाला शेड इस्तेमाल करेंगे, ये शैडो में रहेगा। बालों पर और डिटेल्स बनाएंगे, इससे इसके बाल खड़े हुए लगेंगे। आंखों पर जूम करेंगे और इसकी आंखें ब्लू बनाएंगे और ब्लैक लाइंस बनाएंगे। कटिंग टूल सिलेक्ट करेंगे और इसकी आंखों के आसपास ध्यान से आउटलाइन करेंगे और आईलिड्स पर भी। अब कलर हटा देंगे। अब क्या करना है? हाँ, इसके कपड़े। कितना अच्छा कलर है। शैडोज बनाने की जरूरत है। जब ये हो जाए तो बाकी के जैकेट पर कलर करेंगे। इसके लिए डेनिम ब्लू इस्तेमाल करना है। कितनी जल्दी हो गया। अब इस पर ब्लैक कलर करेंगे। एक पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है, बस स्कर्ट भी बना देते हैं, क्यों नहीं। बैकग्राउंड कलर करेंगे, देखो ये तैयार है। वाह, शानदार। चलो, इतना समय क्यों लग रहा है आखिरकार। हे, क्या हो रहा है? मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई। बिल्कुल, तो ये मेरी बर्थडे पार्टी है। वो ये तो कमाल है। मेरे लिए रुको, मैं आ रही हूँ। देखो ये फ्लावर ड्रेस है, कितनी सुंदर है। ये वाली मेरी फेवरेट है। रुको, हाँ तुम्हारे पेपर को क्या हो रहा है? ओह गोल्ड, तुम कहाँ चली गई? ये मजाक नहीं है, तुम कहाँ हो? हाँ, ये ग्राउंड पर क्या है? तुम्हें चली। वो लगता है हमें एक चैलेंज में भेज दिया गया है। हाँ, मुझे क्या हो गया? हाँ, क्या हो रहा है? उसके पास स्नैक कैसे है? एक्सक्यूज मी, मुझे स्नैक्स मिल सकते हैं? नहीं नहीं, हम यहाँ चैलेंज के लिए हैं। देखते हैं पहले चैलेंज के लिए स्पिनर क्या चुनता है। एक मिनियन, सच में? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, ये रहे तुम्हारे लिए बनानास और टॉयलेट पेपर। हम इनका क्या करेंगे? हे, जरा देखो वो कैसी से लग रही है। हे भगवान, तुम ठीक कह रहे हो, पर अभी भी समझ नहीं आ रहा मैं इस टॉयलेट पेपर का क्या करूँ। समझ ही नहीं आ रहा। हे, एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ हमें क्या करना है, और ये रोक भी काम आएगा। तो चलो, ये रहा पानी का कप और ये रहे मेरे कलर्स। हाँ, ये रहा पेंट ब्रश और एक बनाना। चलो इस चैलेंज पर काम शुरू करें। पहले मैं पेन से शुरुआत करूंगी, बनाना पर ड्रॉ करेंगे और फिर पेंटिंग करेंगे। पहले व्हाइट से शुरू करते हैं, ये देखो। और अब ब्लैक की बारी। आई का प्यूपल बनाने के लिए हम ब्लैक इस्तेमाल करेंगे। और अब ब्लू की बारी। मिनियंस इसी से तो जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है। अब दांत बनाएंगे, उसकी स्माइल बहुत ही प्यारी है। यहाँ पर थोड़ा रेड कलर उसकी टंग के लिए और बाकी पर डार्क ब्लू। ये तो बहुत ही मजेदार है। हाँ, ये देखो मेरे मिनियंस तैयार है। वो हे, जरा मुझे देखो, मैं एक मिनियन हूँ। वो काफी बढ़िया है, तुम सच में वही लग रही हो। क्या बात है, मुझे पसंद आया। ये रहे मेरे मिनियंस, आपको कैसे लगे? खैर, तो विजेता तुम ही हो। बहुत बढ़िया मिनियंस है। बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा किया था, तुम्हें ये मिलना ही चाहिए। शुक्रिया। हम आगे क्या करने वाले हैं? अब वो क्या करने वाले हैं? तो तुम दोबारा आर्टवर्क बनाने के लिए तैयार तो हो? हे भगवान, स्पिनर घुमाओ, देखते हैं क्या सुनेगा। डांस, क्या चॉइस है। डांस, सच में हम ये कैसे करेंगे? मुझे इसमें कुछ सोचना होगा। अगर मैं इस एंगल से देखूं तो शायद मुझे ड्राइंग शुरू कर देनी चाहिए। ओह, मेरी बैलरीना अच्छी लग रही है। ओह नहीं, पेंसिल के लेग टूट गए। अब मैं क्या करूंगी? ओह, यहाँ पेंसिल शार्पनर है, ये चलेगा। मैं इसे दोबारा शार्प कर लेती हूँ ताकि मैं ड्राइंग बना पाऊँ। सारी पेंसिल शार्प कर लेती हूँ। और भी कलर्स चाहिए होंगे, और मुझे डल पेंसिल से नहीं बनाना। एक सेकंड रुको। वाह, अब मैं और अच्छे से अपनी ड्राइंग कर सकती हूँ। ये वेस्ट के पास कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत सुंदर दिखेंगे। ये वाला आखिरी है और ये यहाँ लगेगा। ब्लैक मार्कर से इसे और डार्क कर देते हैं।
लो क्रेयॉन से इसका स्किन कलर करते हैं और हाइलाइटर से इसके बाल थोड़े येलो लगेंगे और अब पिंक क्राउन और पिंक लियोटार्ड और बैलेट स्लिपर्स भी। मैं इनके बारे में भी भूल ही गई थी। हो गया, कितनी बढ़िया लग रही है। अरे वाह वाह, इस एंगल से भी करे तो। हे भगवान, तुम ठीक तो हो? तुम्हें लग तो नहीं गई? ओ मेरी एड़ी, शायद ये मर गई। जल्दी इसे उठाओ। अब दोबारा स्पिनर की बारी। ठीक है तो चलो, ये एक बार दोबारा घूमेगा और इसने चुना है तारों से भरा आसमान। हाँ, पेंट कहाँ है? मुझे शुरू करना होगा। पेंट तैयार है और मेरा ब्रश भी। चलो आर्ट बनाना शुरू करें। हाँ, पहले मैं इस ब्लैक कलर से शुरू करूंगी और एक स्ट्रीक बनानी है और इसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा ब्लू और फिर पर्पल, फिर ब्लू, व्हाइट, येलो और ऑरेंज। अब इस तरह इस पेंट को ब्रश करेंगे, इससे एक ओम्ब्रे इफेक्ट आएगा। हाँ, अब येलो कलर करेंगे। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ब्लैक कलर यहाँ भी करेंगे और मुझे अपनी स्काईलाइन में भी थोड़ी स्ट्रक्चर्स चाहिए। थोड़ी सी फेंस बना देंगे बिल्कुल इस ट्री के साथ। मुझे बेयर ब्रांचेस नहीं चाहिए, बस थोड़े से डैब से पत्तियाँ बन जाएंगी। ओह बहुत बढ़िया, मैं शुरू करके देखती हूँ क्या होता है। पहले ब्लू और थोड़ा ब्लू। हाँ, मुझे डार्क कलर्स पसंद है, ये मजेदार है। हाँ पेंट ब्रश, तुम अपने काम के लिए तैयार हो? ओह, ये ब्रश स्ट्रोक्स अपना काम अच्छे से कर रही है। ओह, देखो ये पेंट कैनवस पर कैसा लग रहा है। ये देखो, बिल्कुल कोने तक। मेरे कैनवस पर पेंट गिर रहा है। एक सेकंड रुको, बिल्कुल शानदार लग रहा है। हे, मेरे कैनवस को देखो, मेरा तारों से भरा आसमान बन गया। हाँ हाँ, दिख रहा है, ये बहुत ही सुंदर बना है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने सच में अच्छा किया। इंतजार करते हुए जरा मैं मेकअप टचअप कर लूं तो तुम्हारी बारी आ चुकी है, स्पिनर टाइम। आओ, उसने बटन दबा दिया, इस बार पता नहीं क्या आएगा। ये कॉटन स्वॉब है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। ओ, ओ नहीं, पाउडर मेरी नाक में चला गया। अच्छा, ये सारे स्वॉप तो यही उड़ने लग गए। आउच, माफ कर देना। ओ, क्या ये मेरा फेस इम्प्रेशन है? मेरे छिकते हुए यही आ गया। हे भगवान, दो तो तुम्हारे नाक में लगे हैं। हाँ जानती हूँ, पता चल रहा है। हाँ, इन सबको साइड पर रख देते हैं। अब ड्राइंग शुरू करते हैं। मैं एक सुंदर सी ड्रेस वाली लेडी बनाऊंगी और इसके बाल लंबे होंगे, क्योंकि क्यों नहीं। हाँ हाँ, ये अभी तक तो बहुत सुंदर लग रही है। अब कॉटन स्वॉप की एक साइड से इसके टिप काट देंगे, बाकी सबकी भी। अब हम स्वॉप्स और ग्लू से इसकी ड्रेस को सजाएंगे। इन्हें बस साथ साथ लगाना है और बस ये अपनी जगह पर टिकी रहे। पहली रो हो चुकी है, दूसरी रो से शुरू करते हैं। इस लेयर में हम ग्रीन और ब्लू इस्तेमाल करेंगे। किसे पता था कॉटन स्वॉप्स को लगाना इतना मजेदार होगा। अब ड्रेस के ऊपर भी लगाकर इसे पूरा कर देते हैं। हो गया, अब मैं अपना आर्ट वर्क दिखाती हूँ। आपको ये लेडी और इसकी ड्रेस कैसी लगी? तुमने कितनी कमाल की चीज बनाई है। वाह, काश ये ड्रेस असली होती और मैं पहन पाती, ये तो कमाल है। और मैंने तो अपनी चीज से सिर्फ ये फेस इम्प्रिंट बनाया है। और अब इसे हम आखिरी बार घुमाएंगे। ये बनी बहुत प्यारा है, चलो काम पर लग जाओ, बहुत मजा आएगा। मुझे कपड़े भी आर्ट सी चाहिए। वो ये क्या है? मुझे नहीं पता था हम कपड़े भी बदल सकते हैं। सॉरी, अभी बात नहीं कर सकती, मुझे अपनी म्यूज को सुनने दो। यहाँ से शुरू करते हैं, एक सिंगल लाइन और फिर बहुत सारी। वो चाहता है कि वो अपने पिंजरे से बाहर निकल जाए और जंगल में खुलेआम घूमे। बनी बहुत जल्दी बन गया। हाँ खैर, न्यूज जो भी मुझे बताते हैं मैं सुनती हूँ। आई पूरा हो चुका है। हे भगवान, कितना डरावना है। हे भगवान, ये बस एक वाइल्ड बनी है, मुझे क्यूट से बनी पसंद है। मैं उसे डरावना नहीं बनाऊंगी, पहले एक साइड पर करेंगे और वैसे ही दूसरी साइड पर भी। उसे आर्म्स और लेग्स भी चाहिए। पूंछ बन गए, अब इसका प्यारा सा चेहरा बनाते हैं। और बनी के साथ हमेशा कैरेट होनी ही चाहिए। ठीक है बनी, तुम्हें आप कलर करते हैं। कान तुम्हारे पिंक होंगे और चीक्स भी। अच्छा लग रहा है, कैरेट को भी कलर करेंगे। कैसा लगा बनी, तुम्हें व्हाइट बनना है? ना, तुम्हें हम ब्लू बनाएंगे। मेरा बनी भी तैयार है, तो कैसा लगा? हाँ, इसे कहते हैं ना बनी, तुम्हें पसंद आया सच में? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी हो, ये बस एक बनी की ड्राइंग ही तो है।
ये क्या हो रहा है? सब पीछे को जा रहा है, जैसे हम रिवाइंड हो रहे हो। पर ये क्यों हो रहा है? ये कब रुकेगा? पता नहीं, पर मुझे डर लग रहा है। ये तो सब की बात है जब तुमने मुझसे मेरा खुद का फेस पेंट करवाया था और फिर हम इस चैलेंज में आ गए थे। हम वापस पार्क में आ गए और हम सेफ है। देखो मेरे पास तुम्हारे लिए कैंडी है। तुम ये क्या कर रहे हो? कैंडी नहीं खानी, ये हेल्दी नहीं है। लो इसकी जगह ऑरेंज खाओ, इसमें विटामिन सी होता है। हाँ ठीक है। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आज एक खास दिन है, मुझे सबसे अच्छा दिखना है। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कन रुक जाती है। मैं तुमसे कभी अलग नहीं होना चाहता, ये कैसे भूल गया। उम्मीद है गैबी को ये पसंद आए। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। हेलो जस्टिन, तुम ये क्या कर रहे हो? नहीं, गैबी का कार्ड। बच गया। मैं आ रहा हूँ। तुमने मुझे देखा? मुझे देखा? ओह सोडा, मुझे यही तो चाहिए। तंग करना बंद करो। बबल्स, ध्यान से। मुझे चिंता हो गई थी। बीप बीप। नहीं एलेक्स, देखो तुमने क्या किया, कार्ड खराब हो गया। इस बार तुमने बहुत ज्यादा कर दिया है, तुम्हें पैदा ही नहीं होना चाहिए था। चलो पेंट करें जस्टिन। रुको, गैबी का बर्थडे है, मैंने सब कुछ प्लान किया था, फिर उसका हक है, पर तुमने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया। गर्ल्स गंदी होती हैं। निकलो यहाँ से, मैंने कहा ना। नहीं, तुम जाओ। एलेक्स, मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा। जरा रुको, मैं ठीक कर सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने आर्टिस्टिक स्किल्स से हैरान कर दूंगा। पहले एक लव हार्ट ड्रॉ करेंगे, अब इसके बीच में स्पाइरल बनाएंगे, कुछ लाइंस बनाएंगे और इसे रोज भी बदल देंगे। ये है इसके लीव्स और आखिर में स्टेम बनाएंगे। यहाँ पर एक और लीव बनाएंगे। हो गया, अब मैं जस्टिन को दिखाता हूँ। रुको, पिलो को रख दो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है, मतलब गैबी के लिए। ये तो परफेक्ट है, तुम जीनियस हो। मैंने तुम्हें बचा लिया, मैं एक सुपर हीरो हूँ। मैं इसे गैबी को दिखाता हूँ। हैप्पी बर्थडे। क्या ये मेरे लिए है? बहुत खूबसूरत है जस्टिन। शुक्रिया। ओ, तुम इसके हकदार हो गैबी। हाँ मान लेता हूँ, शायद चीजें काबू से बाहर चली गई हैं। मुझे माफ कर दो ब्लू। ओ, मैंने सबसे अच्छा सैंडविच खाया, तुम्हें भी वहाँ होना चाहिए था। हाँ अच्छा होगा डैड, पर अभी मैं जरा यहाँ कुछ कर रहा हूँ। तुम उदास लग रहे हो, मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे खुशी मिलेगी। चलो इसे हूप्स में डालें। प्लीज मत करो, मैं मातम मना रहा हूँ। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें बास्केटबॉल पसंद है? ओह हाँ, मैं समझ गया क्या करना है। क्यों ना हम वीडियो गेम्स खेलें? हे भगवान, तुम्हारे पास कितने सारे टॉयज हैं। आउच। मैं बस आ ही रहा हूँ, बस एक सेकंड दो। कंट्रोलर्स यहीं कहीं थे, जरा रुको। प्लीज बस करो, अभी मुझे सब बहुत बुरा लग रहा है। क्या हुआ? ओह अच्छा, मैं समझ गया। मुझे बहुत खाली महसूस हो रहा है। मैं देखता हूँ, शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। लगता है मैं समझ गया। पॉपेट को पेंट में डुबोएंगे, इसे अच्छे से कोट कर लेंगे और फिर उठाएंगे। अब इसे कैनवस पर रखेंगे, कैनवस के कोनों पर टेप लगा दी है। अब इसे उठा लेंगे और कलर्स को ब्रश से फैलाएंगे। वाह कितना कलरफुल है, ये बिल्कुल तूफान के बाद आने वाली रेनबो जैसा लग रहा है। थोड़ा रफ है, तभी मैंने टेप लगा दी थी। जब ये हो जाए तो इसके ऊपर व्हाइट पेंट छिड़केंगे, कंटेनर लिड को ब्लू पेंट में डिप करेंगे और कैनवस पर प्रेस कर देंगे। अब हमें येलो पेंट चाहिए और इससे हम क्राउन को पेंट करेंगे। अब ये अपनी शेप में आ रहा है। अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसका चेहरा पेंट करेंगे। पहले आंखों से शुरू करें, बस सर्कल बनाना है। अब इन्हें ब्लैक पेंट से फिल कर देंगे। मैंने इसका मुंह भी बना दिया है, अब टेप निकाल सकते हैं। वाह जरा देखो जस्टिन, ये तुम्हारे लिए है। जस्टिन वो कहाँ चला गया? डैड। हाँ तुम कहाँ हो? मुझे हवा चाहिए। ओ मेरी गलती है, खैर छोड़ो, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया। वाओ कितना कूल है, ब्लू कितना खुश लग रहा है, अब वो मेरी यादों में रहेगा। थैंक्स डैड। मैं बस तुम्हें खुश करना चाहता था। वाओ कभी कभी मैं खुद को ही हैरान कर देता हूँ। हेलो, मैं तुम्हारे आर्ट में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे अनोखी चीजें पसंद है और मैं अच्छे खासे पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अच्छे खासे? सच में? मुझे अच्छा लगा, मैं इसे फेंक देता हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या आर्टिस्ट तुम हो? बस कुछ बढ़िया सा बनाओ। मैं समझ गया दोस्त। देखते हैं। समझ गया,
थोड़ा जल्दी कर सकते हो? टाइम सबसे महंगी चीज है मेरे लिए। जल्दबाजी में चीजें अच्छी नहीं बनती। बस थोड़ा सा कलर यहाँ और ये हो गया। सनफ्लावर्स, बोरिंग। तुम्हारे पास और क्या है? कुछ अच्छा बनाओ। तुम अपने आर्ट के लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो। Hey, मुझे एक पेंटिंग चाहिए। एटीट्यूड मत दिखाओ। अब मुझे पछतावा हो रहा है। Oops, फोकस करना होगा। मैं यहाँ क्यों हूँ? छोटा बच्चा भी इससे बेहतर कर सकता है। कुछ बच्चे टैलेंटेड होते हैं पर मेरे जितने टैलेंटेड नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, मैं प्रेशर में काम नहीं कर पाता। मैं जा रहा हूँ। रुको, मुझे एक और चांस दो। माफ करना, रुको, मत जाओ। लगता है मुझे इंस्पिरेशन आ चुकी है। मैं जानता हूँ क्या करना है। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। पहले कैनवस पर थोड़ा येलो पेंट डालेंगे। हमें बस छोटे छोटे ब्लॉब्स लगाने हैं। मुझे मस्ती आ रही है। चलो और कलर्स डालते हैं। इन्हें पूरे कैनवस पर रख देंगे। अब एक रूलर चाहिए। इसे बीच में रखकर इसे घुमाएंगे। इससे पेंट फैलने लगेगा। मैं इसे पूरा घुमा दूंगा। वाह, जरा इन सारे कलर्स को देखो, बहुत ही वाइब्रेंट है। वाह, ये खूबसूरत है। बाद में कॉल करता हूँ। जरा मेरी ये कला तो देखो, बहुत खूबसूरत है। मुझे चाहिए। मैं जानता था तुम्हें पसंद आएगा। मुझे ऐसा लगता है मैं इसी के लिए बना हूँ। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे? मैं ये सब फ्री में नहीं करता। ओह हाँ, मैं भी क्या सोच रहा था। ये लो मेरे दोस्त, तुम्हारी कमाई। मैं अमीर हो गया। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ, तालियां बजती रहे। हम इस बोल में थोड़ा दूध डालेंगे और अब कुछ ड्रॉप्स फूड कलरिंग की। ये गया रेड और अब आ रही है ब्लू की। और हाँ बिल्कुल, हम येलो कैसे भूल सकते हैं। अब हमें कॉटन स्वाब चाहिए। चलो इसे दूध को छुएं। ये देखो, ये हिल रहा है। मैं जिस डायरेक्शन में चाहूँ वहाँ इसे ले जा सकती हूँ। चलो अब इसे मिक्स करें। मैं बोर हो रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? समझ गए, थोड़ा आर्ट हो जाए। पहले ऑरेंज पेंट से शुरू करेंगे। आर्ट मजेदार है। जब आप क्रिएटिव हो तो बोर होना मुश्किल है। कुछ पीते रहना चाहिए। ओह नहीं, मैं क्या सोच रही थी, मेरी उंगलियों पर पेंट लग गया। अरे नहीं, गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूँ? पेंट पूरे ग्लास पर लग गया। रुको, मैं तो जीनियस हूँ। जी हाँ, एक साफ ग्लास से शुरू करते हैं और उंगली से पेंट लगाते हैं। इतना काफी होगा। अब मैं ऊपर की तरफ टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाऊंगी। बढ़िया, और थोड़ी और। अब इन कलर डैब्स के नीचे थोड़ा सा मार्कर लगाएंगे। ये हो गया। ई, कितना प्यारा है। ऐसा लग रहा है मेरे ग्लास के आसपास लाइट्स लग गई। ये पहले से बहुत सुंदर दिख रहा है। मैंने ये बना कैसे लिया? चलो थोड़ा और जूस पिए। मैं इसी की बात कर रही थी। Hey! तुम्हें मेरी नई जैकेट कैसी लगी? मैंने ये सेल से ली है। ये 50% ऑफ पर थी। ये अच्छी है ना? हाँ बढ़िया है, समझ गई। पर मेरी नई जैकेट तो देखो। तुम्हें मेरा नया फोन केस कैसा लगा? स्पार्कल्स पुरानी हो चुकी है। मेरे पास पॉकेट्स हैं। जो भी है, मेरे पास ये नोटबुक भी है और ये स्टिकर से सजी हुई है। हार्ट्स और स्टार्स और एक आइसक्रीम ट्रीट भी। क्या? मेरी नोटबुक इतनी बोरिंग और प्लेन है। ये बिल्कुल नहीं चलने वाली। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। ये रही मार्कर्स। रुको, मेरे पास एक प्लान है। ये रही मार्कर्स और एक नाइफ। पहले हम इसकी टिप काट देंगे। अब थोड़े से कट्स लगाएंगे ताकि ये हार्ट जैसा दिखे। हाँ, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब हम नोटबुक लेंगे और इस स्टैम्प की मदद से। मैं सिर्फ हार्ट्स तक ही नहीं रहना चाहती। ये देखो, अब यहाँ पर हार्ट्स और स्टार्स भी है। देखा, मेरी नोटबुक पर भी ये है और मुझे स्टिकर्स की जरूरत नहीं पड़ी। वो तुमने ये कैसे बना दिया? उस स्क्वायरल को बोलो मेरी आइसक्रीम वापस देकर जाए। इस रोड से नहीं जाऊंगी। हाँ, चलो पेंटिंग शुरू करें। मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं आर्ट में सबसे अच्छा हूँ। पेंटिंग मजेदार है। ओ नहीं, उसके कंप्यूटर पर पेंट लग गया। समझ गया, मैं इसे साफ कर देता हूँ। रुको, ये तो फैल रहा है। ओ नहीं, ये तो और भी गड़बड़ हो गई। ये पूरा पिंक हो गया। वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा होगी। फूट गई। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। मुझे शक हो रहा है।
एक सेकंड रुको, मेरा लैपटॉप, इसे क्या हो गया? तुमने इस पर पिंक कलर कर दिया? हम्म, वहाँ क्या है? एक स्ट्रॉ? रुको, मैं इसका हल निकाल सकती हूँ। हाँ, ये रहा मेरा खराब हुआ हुआ लैपटॉप। मुझे और पेंट चाहिए। जी हाँ, और ज्यादा पेंट लगाना ही इसका हल है। व्हाइट और येलो भी, और थोड़ा पर्पल। कितना सुंदर है। अब हम इसमें थोड़ा ब्राउनिश येलो डालेंगे। हाँ, अब स्ट्रॉ की बारी है। इस पेंट पर फूंक मारना शुरू करेंगे। लैपटॉप के ऊपर इसे फैलाने के लिए हवा का इस्तेमाल करेंगे। बस करते जाए। अलग अलग कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं। और इन पैटर्न्स और टेक्सचर से कितना कूल लग रहा है। वाह, ये तो एक जबरदस्त आर्ट वर्क बन चुका है। कितना खूबसूरत है। मुझे समुद्र की लहरें याद आ रही हैं। ये इतना प्यारा बन कैसे गया? वाह, इस कंप्यूटर को देखो, कितना कूल है। मैंने सारा खाना इकट्ठा कर लिया। नहीं, ये गिर गया। ओह नहीं, मैं इसमें कितना बुरा हूँ। रुको, क्या वहाँ पेंट है? हाँ, ये पेंट है। और एक ईजल, वो इसे यही छोड़ गई। मुझे अब आर्ट करना है। क्या वो यही कहीं है? मैं पकड़ा नहीं जाना चाहता। नहीं, दरवाजा बंद है। चलो पेंटिंग शुरू करें। ये पिंक कलर मुझे पसंद है। कितना सुंदर है। मैं पेंटिंग में माहिर हूँ। सबसे अच्छा। हाँ, सारा सामान मिल गया। क्या ये क्या है? हाय, देखो मैं पेंटिंग कर रहा हूँ। ये अच्छा है ना? हाँ बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? वो कैनवस तो खराब कर ही चुका है। हाँ, मेरे पास इसका हल है। जी हाँ, ये रहा कैनवस। एक परफेक्ट ए। अब पेंट के बारी। जो रंग उसने इस्तेमाल किया, मैं भी वही करूंगी। यहाँ ब्लू, मुझे और ब्लू चाहिए, और येलो भी, सारे रंग। इस स्पॉन्ज से थोड़ी सफाई हो जाए। मजाक कर रही हूँ, ये आर्ट का ही हिस्सा है। मैं इस स्पॉन्ज से सारे पेंट कलर्स को डैब करूंगी। अगर टेप पे भी लग जाए तो कोई बात नहीं। ये डैबिंग करना तो बहुत मजेदार निकला, पर इतनी जल्दी नहीं होगा। अगर आप करना भी चाहें तो भी नहीं। ये देखो, मैंने पूरे कैनवस पर पेंट कर ही दिया। तो चलो अब टेप उतारेंगे और ये निकल गए। वाह, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, शानदार। तुम्हारी पेंटिंग बहुत अच्छी है। एक मेरे लिए भी बना दो। ये यान कैसे उलझ गए? वाह ग्रैंडमा, देखो। ओह नहीं, मेरी यान। ये क्या हो गया? नहीं 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 नहीं, मेरा आर्ट, ये पूरा खराब हो गया। ग्रैंडमा, ये आप यान ने क्या कर दिया? रुको, यान यान, बिल्कुल। ये पेंट में अभी से डूब चुकी है। मैं कर सकता हूँ। जी हाँ, ब्लैक पेंट कैनवस पर पहले से है, और अब लेंगे थोड़ी गोल्ड पेंटेड यान। मैंने कैनवस के ऊपर इसे लगा दिया है। थोड़ी और यहाँ लगाएंगे। तो चलो पूरे पीस पर। अब हम कुछ यान एंड टेप से जोड़ देंगे, जब तक पेंट ना हो। तैयार हो? चलो अब कैनवस को ऊपर की तरफ खींचो। ये देखो, यान इसमें से निकल गयी। ये आर्ट वर्क का पीस बहुत शानदार है। तुम ग्रैंडमा के बेस्ट आर्टिस्ट हो। ये मेरी अभी तक की सबसे अच्छी पेंटिंग है। वो बहुत खूबसूरत है। देखते हैं मैं उसे अपनी टैलेंट से इम्प्रेस कर पाता हूँ या नहीं। इस ब्लू से शुरू करेंगे। मुझे और भी रंग चाहिए होंगे। इस हार्ट में पिंक कलर करेंगे। देखो, उसे इस पेंटिंग से मेरा मैसेज मिल जाएगा। शायद उसे ये पसंद आए। तुमने ये मेरे लिए बनाया है? निकलो यहाँ से। आउच, नहीं, मैं नहीं चाहता ऐसा हो। हाँ, ये बकवास है। रुको, क्या? ओह नहीं, मेरे पूरे हाथों पर पेंट लग गया। आज का दिन बहुत ही बुरा जा रहा है। इससे पहले मैं गड़बड़ कर दूं, मैं पेंट धो लेता हूँ। साबुन तो चाहिए ही होगा। एक सेकंड रुको। वाह, ये देखो, सर्च पर पेंट लग गया है। मैं अपना काम शुरू करता हूँ। ये रहा पानी का बोल और मेरा डिश सोप। और बिल्कुल, मुझे थोड़ा पेंट भी डालना होगा। इसे पॉपस्टिकल स्टिक से मिक्स कर दें। तो चलो, ये थोड़ा सर्ट सी हो गया है, पर हमें और बबल्स चाहिए। अब स्ट्रॉ से इसमें फूंक मारते हैं।
वाह, इन बबल्स को तो देखो, ये आए ही जा रहे हैं। जी हाँ, तुम्हारा काम पूरा हुआ स्ट्रॉ। अब बबल्स पर पेपर रख देंगे और इसी तरह वाह, बबल्स पेपर पर आ गए। हाय, मैंने तुम्हारे लिए ये कार्ड बनाया है। तुमने ये मेरे लिए बनाया? वाह, मुझे पसंद आया, बहुत खूबसूरत है। हे भगवान, मेरे साथ क्लास तक चलोगे? ये तो काम किया। आज भी पैसे कमाने का मौका। मैं किसी को क्लास में नहीं जाने दूंगी। यही रुक जाओ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? हाँ, जरा रुको, डैडी को ये बताता हूँ, वो बिल्कुल खुश नहीं होंगे। ठीक है, शुक्रिया। ये बस छोटे हैं, यही छोड़ देता हूँ। ये अमीर बच्चे भी ना। सिक्योरिटी गार्ड बहुत डरावनी है, मैं उससे बहुत नर्वस हो जाती हूँ। ठीक है, तो चलो, मैं कर सकती हूँ, बस नेचुरल रहो। फ्रीज। क्या ये चीज सेफ है? मैं जानती थी ऐसे ही होगा। नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकती, निकलो यहाँ से, तुम गरीब हो। इतनी बुरी तरीके से तो मत बोलो। ये क्या? आउच, बहुत जोर से लगी। ये मैं किस पर गिर गई? हाँ, क्या ये डायमंड है? अरे हाँ, ये तो डायमंड ही है। मुझ पे कुछ अलग लग रहा है, शायद थोड़ी स्पार्कल। तो मैं अंदर आ सकती हूँ? ये स्कैनर डिसाइड करेगा, कुछ अच्छा होने वाला है। हाँ, ये बता रहा है ये अमीर है। मुझे समझ नहीं आया, पर स्कैनर गलत नहीं बताता, तो तुम जाओ। सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं क्लास के लिए तैयार हो जाती हूँ, मुझे अपनी बुक्स चाहिए होंगी। पता नहीं आज हम क्या पढ़ेंगे, उम्मीद है कुछ दिलचस्प हो। अरे वाह, मैं टाइम पर आया हूँ, जेट में फ्यूल भरना था, तो जल्दी निपटाएं, मुझे डिनर पर भी जाना है। वो ये नोटबुक तो देखो। हाँ, ये काफी खास है, अब जरा ये देखना। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा फोन देखो। पता नहीं मैं क्या देख रही हूँ, मुझे इसे छूने दो। ओ, बिल्कुल नहीं। कूल है ना? मेरा इस पर कपकेक लगाने का मन है, नोटबुक पर लगा देता हूँ, बहुत बढ़िया लग रही है। हाँ हाँ, तुम जल सकती हो। मेरी नोटबुक बहुत बोरिंग है, मुझे कभी अच्छी चीजें नहीं मिलती। बहुत गलत बात है। एक सेकंड रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। ये पिक्चर्स काटने से शुरू करेंगे। इसे देखकर मुझे भूख लग रही है। ठीक है, ये बस आखिरी है, पर अभी और भी काम करना बाकी है। मुझे रेसिपी को फॉलो करना चाहिए था। मैं आ रही हूँ, बुरा मत मानना, मुझे बस सही चीज ढूंढनी है। हाँ, मैं यही तो ढूंढ रही थी। नहीं, रिसॉर्ट नहीं, मुझे बेकिंग पेपर चाहिए, एकदम आराम से। वो बस मुझे देखना ले, ये होता है परफेक्ट क्राइम। बस थोड़ा सा और, बेकिंग पेपर को स्क्वायर्स में काट लेंगे, अब इसके ऊपर ड्राइंग्स रखेंगे, अब इसे टेप से कवर कर देंगे। ये स्मूथ होना चाहिए, कोई क्रीसेस नहीं आनी चाहिए। इन्हें अच्छे से काट लेंगे, एकदम आराम से आउटलाइन को फॉलो करेंगे। ये बढ़िया लग रहा है। अब बेकिंग पेपर को हटा देंगे और इसे नोटबुक पर लगा देंगे। ये अच्छा लग रहा है, ऐसा ही बाकियों के साथ भी करेंगे। वाह, ये अभी से बेहतर लग रहा है, और पिज्जा को नहीं भूल सकते। हे एलेक्स, जरा इसे देखो। क्या, इसका कलर, ये इमेज, वाह, मुझे पसंद आया। उम्मीद थी यही कहोगे। ये क्या चीज है? हाय, मैं एक बोल उसका लूंगी। मैं कुक स्कूल में ये सीखने गई थी, पता नहीं ये है भी क्या। मैं इसे ग्रीन स्टफ कहती हूँ। ये लो, ये थोड़ा स्लाइमी है। जरूर रुको, आराम से लिडल से हट जाओ। बोल कैसे चाहिए, हो गया, मजे करो। ये देखो, फ्री का खाना। मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मैं ऑर्डर कर लूंगा। ये बढ़िया लग रहा है, लम्ब से एक्स्ट्रा फ्लेवर आ रहा है। यम्मी, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बहुत ही गंदा है, वो ये कैसे खा सकती है? बटलर, ये हुई ना बात। शुक्रिया बटलर, मुझे ऐसी ही बढ़िया चीजें पसंद है, एकदम ताजी सुशी से बेहतर और क्या होगा। स्वादिष्ट लग रही है, मेरे मुंह में पानी आ गया। रुको,
ये आवाज कैसी है? ये एक फ्लावर है, वो भी मेरी सुशी पर। अब मैं क्या करूं? ये खराब हो गई, मुझे उल्टी आ रही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक फ्लाई ही तो है। हे एलेक्स, मैं ये ले लूं? हाँ ले लो। उम्मीद है तुम्हें बेहतर महसूस हो। चलो निकलो फ्लाई। फैंसी है, बहुत ही बढ़िया। हे यहाँ क्या है? एक नया दिन, शानदार आइडियाज के लिए 24 आवर्स। वाव, नए सप्लाइज। ये बहुत जल्दी है। ओह खैर, यहाँ क्या हो रहा है? कैसी हो? तुम्हें प्यास लगी है मिस्टर? एक नया लीव, तुम कर सकते हो दोस्त। ओह यार, मैंने तोड़ दिया। ओह मैडिसन, रुको मैं मदद करती हूँ, तुम्हें बस थोड़ी सनशाइन की जरूरत है। विश्वास नहीं होता, ये मुझे दो। रुको, गिरो मत। याइक्स, क्या? लेकिन ये नए हैं। क्या हो गया? ओह मेडिसिन, वो देखो। देखा? वाह, एक बटरफ्लाई। हे, ये विंग्स लग रही हैं। मैं इंस्पायर हो गई, बटरफ्लाई बनाने के लिए इन लीव्स का इस्तेमाल करें। व्हाइट मार्कर का इस्तेमाल करें, इसे अपने लीव्स पर कलर करने के लिए इस्तेमाल करें। ये हिस्सा थोड़ा समय लेगा, लेकिन जब ये हो जाए तो पैटर्न्स बनाने के लिए ब्लू का इस्तेमाल करें। थोड़ा पिंक और येलो भी। व्हाइट से कलर पॉप्स बनाएं और लाइंस के लिए ब्लैक का इस्तेमाल करें। करते रहें। आप और छोटे डॉट्स ऐड कर सकते हैं। ये पल पल और असली लगने लग रहा है। जरा इन मजेदार पैटर्न्स को देखो, बढ़िया है ना? आपको पसंद आया? ये मेरी बटरफ्लाई देखो, आपको पसंद नहीं आया? मुझे बहुत बुरा लगा। जो भी है, मैं कुछ और बनाती हूँ। एक नई और इम्प्रूव्ड बटरफ्लाई, और इस बार मैं वाटर कलर मेथड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये रहा कलर, आप इसके अंदर कलर डाल सकते हैं और अब कोल्ड ब्लीडिंग इफेक्ट देते हैं, खासकर जब आप और कलर ऐड करें। आप कलर ग्रेडिएंट पैटर्न बना सकते हैं, क्या ये अच्छा नहीं है? एक सनसेट की तरह बीच में ब्लैक कलर करें, फिर एंटेना बनाएं। बढ़िया, अब गोल्डन आउटलाइन बनाएं, इससे विंग्स अच्छे से डिफाइन होगी। और थोड़ा शीन ऐड करें, आप डॉट्स भी बना सकते हैं और इस पर थोड़ी लाइंस भी बनाएं। टाटा, बहुत खूबसूरत है। अपग्रेड की बात करें तो क्या सही बना है? वाह, लाइक्स के लिए शुक्रिया। ये लो, ये तुम रख लो। हाँ, पम पम पावर। ये कितने मुलायम है। देखो, वाह, इतने सारे कलर्स। हे, शेयरिंग करनी नहीं सीखी? मन नहीं है। ओह हाँ, खैर वो हम देख लेंगे। यहाँ बैग कैसे आई? ये लो। ओ नहीं, वेस्ट कर दिया। मेरी गलती है, मैं इसे संभालती हूँ। मुझे बस इसे फैलाना है। वाह, कितना बढ़िया है। इसे और ब्लेंड करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वाह, ये मजेदार स्ट्राइप्स को देखो। गलती से कुछ अच्छा ही बन गया। लाइक करें। ओह हाँ, मैं इससे भी बेहतर कुछ बना सकती हूँ, लेकिन मुझे और कलर्स चाहिए, रेनबो के सारे कलर्स। और पानी के एक स्वूप से और कलर से आपका रेनबो तैयार हो जाएगा। तैयार हो तो चलो। कितना अच्छा है। और ये हो गया, आपको क्या लगता है, आपको पसंद आया? हाँ, मैं कहूंगी इसे तो फ्रेम में लगना चाहिए। आम सामान तो बढ़िया क्या बनाता है, जाहिर है थोड़े बहुत कलर्स और सही कलर चुनने पर आप एक अच्छा मास्टरपीस बना सकते हैं।
क्या पता आप एक और मोनालिसा बना दें, और नहीं तो क्या पता एक बहुत अच्छा लैपटॉप केस बना दें। एक आर्टिस्ट बनने के लिए तैयार है। ये क्या है? ये यहाँ आया भी कैसे? देखो, ये एक बहुत खूबसूरत डियर है। जरा उसको देखो जेनिफर, वो जरूर कुछ है। हाँ, वो खड़ा है। चलो काम पर लगे। हाँ, बस सही लाइन से शुरुआत करनी है। एंगल थोड़े अजीब है। किसी काम का नहीं, मुझे कुछ और सही चाहिए। बिंगो, अब मैं अच्छे से नाप ले सकती हूँ। मैं अभी वापस आई। तुम कहाँ जा रही हो? जो भी है, थोड़ा नजदीक जाने का समय है। आहा, अच्छा लग रहा है, दिलचस्प है। अब मुझे पता है क्या करना है। चलो ड्राइंग करना शुरू करें। हमेशा ब्लैक पेन से शुरुआत करें। ये खत्म हो रखा है। ये बहुत बेकार है। जेनिफर, तुमने मेरा पूरा पीस खराब कर दिया। अबे मुझे इसकी इतनी परवाह नहीं है। यार, तेरा देखो ये गड़बड़। हाँ, मुझे लगता है मुझे दोबारा स्टार्ट करना होगा। नहीं तो मैं इस टेक्निक को अपने एडवांटेज की तरह इस्तेमाल कर सकती हूँ। आपको लगता है ये बहुत डार्क है? ज्यादा देर के लिए नहीं, पिक्चर के ऊपर पेंट डाले। अब इस लेयर को हटाएं। अब फेस का ऊपरी हिस्सा बनाएं। एक से भले दो कलर्स होते हैं। बढ़िया है ना? चलो अब जरूर हिस्से की बारी। ब्रश का इस्तेमाल करके पेंट को बाहर की ओर निकालें। ये बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है। देखो, लगभग हो गया। ट्रीज के ऊपर भी ब्रश को फहराएं। यहाँ तक कि टूथब्रश भी कमाल कर सकता है। बस थोड़ी सी स्किलफुल फ्लिक्स लगेंगी। बढ़िया। अब यहाँ से पहली लेयर निकालें और आपको एक रात के समय का जंगल का सीन नजर आएगा। क्या ये मैजिकल नहीं है? मेरा देखो, तुमने ये सब कैसे किया? खैर, इस राउंड का विनर साफ नजर आ रहा है। बहुत खूब वेंडी। मुझे अपने ब्रश को इस्तेमाल करने पर काफी काम करना है। हार्डर स्ट्रोक्स, चलो भी वैसे। ठीक है, शाम कितनी खूबसूरत है ना? हे देखो, असली आर्टिस्ट। हाय, क्या ये अब तक का सबसे अच्छा कपल नहीं है? क्या तुम्हें ऐसे लोग पसंद हैं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हनी। मैं बहुत इंस्पायर्ड फील कर रही हूँ। मैं इस प्यार को पेज पर ड्रॉ करना चाहती हूँ। आहा, यहाँ। क्या ये बहुत बोरिंग नहीं है? मैं अपने दिल की सुनूंगी। एक बारी में पेंट का भरमार। इस तरह कलर मिक्स हो जाएगा और तुम मजेदार लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। ये आ गया कलर। ये लगभग डॉट सारे खत्म हो गए हैं। अब एल्यूमिनियम फॉइल को क्रम्बल करें और इसे गीले पेंट को ब्लॉट करने में इस्तेमाल करें। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। देखो मेरा क्या मतलब था। अब ब्रश लें और इसे थोड़ा पॉलिश करें। बगैर ट्री के बाहर का सीन कैसा सीन हुआ? बस ट्राई करना, ज्यादा दबाव मत देना। और ब्लॉटिंग करें। देखो, क्या ये अच्छा नहीं लग रहा? पर अभी हमें और करना है। ये कलर मिक्सिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसे अभी और रिफाइनमेंट की जरूरत है। देखो, यहाँ लवर्स हैं। ये मेन फोकस नहीं है। बढ़िया, अब थोड़ी बारिश की जरूरत है क्योंकि ये बहुत रोमांटिक होता है। टारा, कितना रोमांटिक काफी है? मेरा जरूर है। तुम्हारा कैसा है? बेहतर हो सकता था। तुम्हें पसंद आया? वाह, ये तो म्यूजियम में रखने लायक है। सच में? देखो, इस बार मैं जीती। बहुत बढ़िया जेन, इधर आओ प्लीज। मेरे ख्याल से तुम ये रख सकती हो। ये हम हैं, स्वीटी पाई। जाओ। अगला क्या है?
कम से कम मेरा सामान तैयार है। आहा, जैसा तुम कहो। हाँ। हाँ? कौन है? वाह, बढ़िया, चलो करें। मैं एकदम से इंस्पायर्ड हो गई। इमोजी का मतलब शेप्स के साथ मजे करना। मैं एक मीन सर्कल बनाऊंगी। आहा, मैं थोड़ी ज्यादा हेल्प इस्तेमाल कर सकती हूँ। फ्रेश जार पेंट जैसा कुछ नहीं। हे, ये क्या है? तुम्हें परवाह नहीं है, है ना? वाव, विश्वास नहीं होता। हाँ, ये दिलचस्प है। एक मिनट रुको, मैं इसे नए तरीके से करूंगी। इसके अंदर आओ येलो पेंट। बढ़िया, और अब यहाँ से मजे होंगे। इसे भरो। वुहू, जरा इन्हें देखो। क्या आप सोच सकते हो मैं क्या बना रही हूँ? एक इमोजी, याद है? ये जरूर अलग होगा। ए वेंडी, ओ, मुझे लगा तुम नहीं कर पाओगी। मुझे नहीं लगता ये इसे मार देगा। मुझे पता है कि बढ़िया है। काश ही मैंने सोचा होता। और उन्होंने फूल से पूरा फ्लोट बनाया था। पागलपन है, है ना? हाँ? कैसी हो लेडीज? हाँ? हेलो। हम बस अभी फ्लावर्स के बारे में ही बात कर रहे थे। मैं सुंदर नहीं हूँ? बस भी करो। ठीक है, हम तुम्हें ड्रॉ करेंगे। हे भगवान, लेकिन कैसे? मेरे पास ब्रशेस नहीं है। विंडी बुरा नहीं मानेगी अगर मैं एक ले लूं। क्या मानेगी वो? ये वाला भी काफी अच्छा है। बढ़िया, अब एक मोटी लाइन बनानी है। हे, ये मेरा ब्रश है जेनिफर, तुम्हारा नहीं है। नहीं, देखो तुमने क्या कर दिया। मेरे ख्याल से मैं कुछ अलग इस्तेमाल कर सकती हूँ। ठीक है, बहुत ही अलग। पहले बोतल का निचली हिस्सा पेंट में डुबोए। अब इसे फूल बनाने में इस्तेमाल करें। काफी आसान है, आपको नहीं लगता? बस थोड़े और। काफी अच्छे से राउंड हुआ है। ऐसे दूसरे और कलर्स इस्तेमाल करो। ये काफी अच्छा दिख रहा है। देखो, बुरा नहीं है। हाँ, मुझे नहीं लगता मैं ये ठीक कर सकती हूँ। मेरा काफी अच्छा बना है वैसे। ये सही नहीं है। कम से कम तुमने पूरी कोशिश करी मेरे लिए। तुम बहुत अच्छी हो जेनिफर। पेंट वाले हाथ, तुम बाद में मेरे गले लग सकती हो। हे, वहाँ क्या हो रहा है? वाव, क्या हम ये करें? 1, 2, 3। वाव, मैं इसके साथ क्या करूं? ओह, मैं जो चाहती हूँ वो खरीद सकती हूँ। हाँ, ये क्या है? ये जरूर कोई पेंट सप्लाईज तो नहीं है। वैसे इसके अंदर क्या है? एक मिनट, मैं समझ गई। बैग्स के टिप को काटे, ये कीप जैसा बन जाएगा। एक और, अब चलो पेंट को फैलाते हैं। ओ हाँ, जरा ये देखो। और अब ग्रेविटी को काम करने दो। ये देखने में बहुत मजेदार है ना? थोड़ा सा व्हाइट अच्छा इफेक्ट देगा। स्प्लैश स्प्लैश, ये बहुत बढ़िया है। जरा देखो इसे। हो गया, तुम्हें पसंद आया? बहुत अजीब है ना? बिल्कुल, पर ये देखो, तुमने ये सब कैसे किया? मैं फिर से जीत गई। करने के लिए तैयार हूँ। मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ। जरा ये देखो, ये एक बटरफ्लाई है। क्या हो रहा है? उम्मीद है ये देखकर तुम इंस्पायर होगे। ये है अगला चैलेंज। ये कहाँ से आया? चलो हटो, मैंने पहले देखा था। मैं ये भी ले लेती हूँ। तुम बास्केट रख लो। मेरे पास एक आइडिया है, पेपर को आधे में फोल्ड करेंगे। हाँ, ये काम करेगा, ये बढ़िया लगेगा। मैं इनका क्या करूँ?
ये रही मेरी बटरफ्लाई, पर अभी पूरा नहीं हुआ। इसे ब्लैक कार्ड पर रखेंगे। अब मुझे क्रेयॉन्स चाहिए। बटरफ्लाई को बनाएंगे बिल्कुल कार्ड के कोने कोने तक। अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। कार्ड को सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। ये बहुत मजेदार है। ये काफी कलरफुल होगा। बस होने ही वाला है। मैं अब रिजल्ट देखने का इंतजार नहीं कर सकती। ये मेरा अभी तक का सबसे अच्छा काम होगा। बस आखिरी सेक्शन है। जी हाँ, अब बटरफ्लाई हटा देंगे। अब ये उड़ सकती है। तुमने बहुत मदद की। जरा इसे देखो। वाह, कितना कूल है। पता नहीं मैं ये क्या कर रहा हूँ। ये क्या है? कुछ तो कर देखता हूँ। इसे तोड़ कर फैला देंगे। उम्मीद है ये काम करे। मैंने बटरफ्लाई की आउटलाइन बना ली है। अब इसके ऊपर पेंट लगाएंगे। पहले डार्क ब्लू लेंगे, अब एक शेड लाइट लेंगे। लेयर्स बनाते जाएंगे। हर लेयर अलग कलर की होगी। एकदम आराम से करते जाएंगे। जरा सा स्लिप हुआ तो ये खराब हो जाएगा। अभी तक तो बढ़िया बन रहा है, पर मैं बहुत प्रेशर में हूँ। मुझे जीतना ही होगा। बॉडी को कलर करेंगे। अब दूसरा विंग। यहाँ कुछ और ट्राई करते हैं। पैलेट नाइफ से एक पैटर्न बना लेते हैं। मुझे ये कलर्स बहुत पसंद है। हाँ, ये पूरा हुआ। मैंने क्रिएटिव होने की कोशिश की। उम्मीद है तुम्हें ये पसंद आए। जरा ये देखो। बहुत अच्छा किया, पर ब्रांड जीतता है। ओह या, बहुत गलत बात है। निकलो यहाँ से बटरफ्लाई। देखते हैं, मेरे हिसाब से यहाँ से सही लग रहा है। हे ग्रैंडपा, आपको मेरी पेंटिंग कैसी लगी? बहुत अच्छे अच्छे रंग इस्तेमाल किए। ओह, इन रंगों को तो देखो, मुझे ये चाहिए होंगे। आपको ब्रशेस नहीं चाहिए? तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और पेंट का काम पूरा हुआ, तुम्हें कैसा लगा? ठीक ही लग रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। इस प्लास्टिक शीट को लेकर इसे नीचे ड्रैग करेंगे। ओह, जरा इसे देखो तो सही। अब ये देखो और बताओ तुम्हें कैसा लगा? हे भगवान, ये तो ये बहुत अच्छा है ग्रैंडपा, मुझे पसंद आया। ठीक है, मेरी टेप तैयार है और ये यहाँ लगेगा। चलो ड्राइंग शुरू करें। ओह, जैसा मैंने सोचा था, ये उससे मुश्किल है। अब मुझे ये रंग चाहिए, बस लाइंस खराब ना हो जाए। ये तो बहुत बुरा दिख रहा है। हे रुको, ग्रैंडपा के पास टेप है। योइंग, मैं ये ले रहा हूँ ग्रैंडपा। ठीक है, ये रही मेरी टेप की स्क्रिप्ट। अब यहाँ कलर्ड मार्कर्स रखेंगे। अब इसे टेप पर फोल्ड करेंगे और टिका देंगे। हाँ, और ये बहुत शानदार बनने वाला है। और ये बहुत अच्छे से काम करेगा। एक बेहतर रेनबो बन जाए। ये काम किया, मैं जीनियस हूँ। वाह, बहुत अच्छे। हम और मार्कर्स से भी तो बना सकते हैं। हाँ, बहुत सारे मार्कर्स से हम कैसा रेनबो बनाए। क्या ये सेफ रहेगा? आर्ट में क्या सेफ्टी मेरे बच्चे। तो चलो देखते हैं क्या बनेगा। किसने कहा रेनबो सिर्फ आंख में ही आते हैं? मैं यहाँ से ले जाऊंगा और यहाँ घुमाऊंगा। अब पेपर के इस तरफ भी। और अब जहाँ से शुरू किया था वही वापस जाएंगे। वो हो गया, अब ये पूरा हुआ। जरा इसे देखो, ये तो कोई बर्ड जैसा लग रहा है। वाह, आर्ट सेल, नए आर्ट ले जाओ। याइक्स, नहीं शुक्रिया। नहीं, एक और रिजेक्शन। ये कौन है? बचाओ, मदद करो। शांत रहो, कैसे हो? मेरा आर्ट वो कोई नहीं खरीद रहा। ग्रैंडपा, आप ये ट्रैश कैन में क्या कर रही हैं? आप इस कचरे से क्या करेंगे? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ठीक है, तुम्हें ये देखना होगा। मैं इस लिड को पेपर पर रखूंगा। अब पेपर पर ये स्प्रे करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे। ढक्कन को अच्छे से ढकना मत भूलना। अब कोने में थोड़ा व्हाइट पेंट डालेंगे। इसे अच्छे से पूरा करेंगे। और अब बारी है प्लास्टिक बैग की। इस बैग को डैब करेंगे, इससे थोड़ा थोड़ा पेंट निकलेगा। तो चलो अब इसमें थोड़ा व्हाइट पेंट और छिड़क देंगे। ढक्कन को हटा दें। देखो जरा, ये हो गया। टाटा,
वाह ग्रैंडपा, ये तो बहुत खूबसूरत है। आपके लिए इसे बनाना कितना आसान था। लो, तुम ये ले सकते हो। मुझे ये पेंटिंग चाहिए। मेरे सारे पैसे ले लो। इस बार क्या बनेगा? हाँ ये क्या था? लगता है मैंने देखा एक पांडा। पकड़ लिया, हमारे अगले मॉडल से मिलो। अब मैं कमाल कर दिखाऊंगा। मैं एक पांडा ड्राइंग मशीन हूँ। मुझे एक पेन और एक प्लेट चाहिए। ओह एक रोलर। थोड़ा चालाकी से चलते हैं। योइंक, लगता है मुझे सब मिल गया है। एक पेपर पर प्लेट रखेंगे और उसके आसपास ड्रॉ करेंगे। इससे हमें एक परफेक्ट सर्कल मिलेगा। कोई फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। हाँ और अब मुझे एक रोलर चाहिए। सर्कल में इस तरह लाइंस बनाएंगे और नीचे तक बनाते जाएंगे। अब छोटी छोटी वर्टिकल लाइंस बनाते जाएंगे। इसे बराबर जगह छोड़कर बनाएंगे। ये एक दीवार है। अब थोड़ी डिटेल्स बनाते हैं। हर लाइन के ऊपर और नीचे थोड़ी थोड़ी इंक लगाते जाएंगे इस तरह। अब मुझे एक छोटा टब चाहिए। इससे हम एक सेमी सर्कल बनाएंगे और ये मेरा पांडा होगा। इसका मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाएंगे। जरा इसकी मुस्कुराहट तो देखो। अब इसके हाथ बनाएंगे। क्या मिसिंग है? इसके कान। जी हाँ एक बन गया और एक और। लगता है मेरे पांडा को भूख लगी है। चलो इसे स्नैक दे। हर पांडा को बैम्बू पसंद होते हैं, तो मैं एक बैम्बू ट्री बनाता हूँ। अब मुझे ग्रीन पेन चाहिए। प्लांट को इससे बनाएंगे और एक ट्री भी। पांडा की चीक्स रोजी होंगे। वाह कमाल है, पसंद आया? बढ़िया है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती। मेरे पेपर पर क्रीसेस हैं। शायद मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पेपर को इस तरह फोल्ड करेंगे। पेपर पर बॉक्स बनाएंगे फोल्ड के साथ साथ। और अब दूसरी साइड पर ये बॉक्स के ऊपर का हिस्सा होगा। बीच में दो वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। अब एक बो बनाएंगे। ये बढ़िया दिखना चाहिए। अब इसमें कलर करेंगे। ये एक अच्छा सरप्राइज होगा। रिबन को भी फिल कर देते हैं। बॉक्स के लिए रेड कलर करेंगे। लाइंस के बीच ही रखेंगे। अब इसे खोलेंगे और पांडा बनाने का समय है। तीन सर्कल्स बनाएंगे। मैं पांडा का एक ग्रुप बना रही हूँ। कानों में ब्लैक कलर करेंगे और फिर आंखों पर भी। बाकी सर्कल्स में भी कुछ ऐसा ही बनाएंगे। अब इनकी बॉडीज बनानी है। इन्हें ब्लैक कलर करेंगे। ये कितने प्यारे हैं। और लव हार्ट्स बना देंगे। ये रेड ही होंगे। बिल्कुल जी हाँ हो गया। जरा इसे देखो कैसा लगा। मैंने कितनी मेहनत की। प्लीज मुझे चुनो। ये वाला ब्रायन जीतता है। क्या तुमने सुना? मेरी मॉम को मुझ पर गर्व होगा। ये लो बेस्टी। ये पेंसिल्स कितनी प्यारी हैं। हम बहुत लकी हैं। हाँ बस कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। मतलब ये मैच होनी चाहिए। मुझे लगता है तुम्हें ये देखना चाहिए। ये क्या? जो भी हो। हे सनी तुम्हारी पेंसिल कहाँ है? मेरी पेंसिल? अरे हाँ ये रही। ओ नहीं ये नहीं चलेगा। मैं नहीं चाहती वो ये देखे। ओ वो यही कहीं है। मुझे बस एक सेकंड दो, मुझे जल्दी करना होगा। मिल गई। हमेशा गुम जाती है। तो ये कैसी लगी? क्या ये कोई मजाक है? क्लास तैयार हो? एग्जाम टाइम। शुरू करो, होना तो फेल ही है। हाँ मुझे सरप्राइज एग्जाम्स बहुत पसंद है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे एक क्वेश्चन पसंद आया। मैडिसन हे यहाँ देखो। हाँ क्या है? मेरी मदद कर दो प्लीज। ओह ठीक है, जल्दी से नोट्स बना लेती हूँ। इसमें तुम्हारी सारी मतलब की चीजें हैं और मैं एक एयर मेल भेजती हूँ। सनी ये लो। लो पकड़ो। ओह नहीं ये नहीं, मैं इसे रोकता हूँ। मेरा पेपर प्लेन। ये दोबारा ट्राई मत करना, मैंने कहा ना। बिल्कुल समझ गए। रुको अब मैं क्या करूँ? क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। हाँ बिल्कुल, माफ करना मैंने पूरी कोशिश की। हम कुछ तो कर सकते हैं। जरा रुको, चॉक बोर्ड। हाँ मैं समझ गई। मुझे अपनी नोटबुक चाहिए। मैं इसे मेकओवर दूंगी। इसे ब्लैक पेंट करेंगे और ये कोई आम पेंट नहीं है, ये चॉक बोर्ड के लिए है। मैं इसे अपनी नोटबुक कवर कर दूंगी। इसे बिल्कुल इवन रखेंगे। बस हो ही गया। जी हाँ अब इसे सूखने देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब एक चौक का पीस लेंगे। मैं पेंट पर आंसर्स लिख सकती हूँ इस तरह। और अब इसे साफ कर देंगे। ये परफेक्ट है। अब सनी की मदद करते हैं। वो हैरान होने वाली है।
और मैं और मैथ्स कर लूंगी और सब जीत गए। हाँ, हे सनी, यहाँ देखो। अरे वाह, मुझे आंसर मिल ही गया है। मैं जानती थी यही होगा। वो थैंक्स मैडिसन, समझ गई। बढ़िया, ऐसे ही रखो। हाँ, ये क्या हो रहा है? हे, चीटिंग नहीं चलेगी। मैं आंसर को हटा देती हूँ, बस वो देख ना ले। मैं चीटिंग नहीं कर रही, देखो ये बस नोटबुक है। ओ ठीक है, माफ करना, शायद मैं सिर्फ सोच रहा था। अपना टेस्ट कर लो। शुक्रिया मैडिसन, तुम सबसे अच्छी हो। अरे कोई बात नहीं, मैं क्लास के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती। खींची ही जा रही है। वुहू, हो गई, बहुत मेहनत हो गई। बाय सनी। बाय, फिर मिलेंगे। मैं जा रही हूँ। क्या सनी? ओ नहीं, मैं मदद करती हूँ, बस यहीं बैठ जाओ। क्या हुआ? पता नहीं, मैं हैरान तो नहीं हूँ। रुको, तुम पेन से स्लिप हो गई। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी। पहले कार्ड का पीस इस तरह काटेंगे। अब मुझे एक ब्लैक पेन चाहिए। कार्ड के कोनों पर ड्रॉ करेंगे, अब डिटेल्स फिल कर देंगे। ये दो प्यारी किटीज होंगी, ये बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ, इतना काफी है। अब इसे उल्टा कर लेंगे। अब एक और चीज करनी बाकी है, कार्ड पर मैग्नेट्स लगा देंगे। नोटबुक के अंदर एक किटी को रखेंगे, अब बीच में पेन रख देंगे। अब नोटबुक को बंद कर देंगे, अब मैग्नेट्स को कनेक्ट कर देंगे। ये पेन अब कहीं नहीं जाने वाला। तुम्हें कैसा लगा सनी? वाह, शुक्रिया मैडिसन, मुझे यही तो चाहिए था। चलो चलें। मुझे लिपस्टिक का ये शेड बहुत पसंद है। ध्यान लगाने दो। लो, अब अच्छी लग रही हूँ। एक कट और, मैंने कर दिखाया। अब मुझे थोड़ी ग्लू चाहिए, बस थोड़ी सी। ओ हाँ, शायद थोड़ी ज्यादा आ गई, मैं ज्यादा ही बहक गई। बहुत चिपचिपी है, बहुत गंदी, अजीब सा लग रहा है। ये ग्लू की बोतल बेकार है। तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? मुझे बात नहीं करनी। याइक्स, बहुत गंद मचा दिया, उसने ये चौथी बार किया है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। और मेरे पास कुछ है, ये रोलर बॉटल काम आएगी। मुझे ग्लू दे दो। तुम्हें ये चाहिए? कहा ना, ये काबू में नहीं आती। मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले बॉटल को खाली कर लेंगे, अब इसमें ग्लू डालेंगे। ध्यान से, बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए। मुझे मैडिसन की तरह नहीं करना, नहीं तो वो हमें स्टिकी सिस्टर्स बुलाएंगे। हाँ, हो गया। अब रोलर लिड को बॉटल के ऊपर लगा देंगे। ये तुम्हारे लिए। हाँ, ये क्या है? तुम चाहती हो मैं ये इस्तेमाल करूँ? पक्का? मेरे लिए दुआ करो। वो जरा इसे देखो, इतना ग्लू एकदम परफेक्ट है। लगता है ये तैयार है। केविन को ये बहुत पसंद आएगा। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, मैं यही सो सकती हूँ। आंखें खुल ही नहीं रही, थोड़ी देर आराम दे देती हूँ। हाँ सनी सो गई, यही मौका है, अब प्रैंक करेंगे। योइंक, परफेक्ट क्राइम। मैं काम पर लग जाती हूँ। पहले टूथपिक के पीछे का हिस्सा तोड़ लेंगे। अब हमें टेप की पतली सी स्ट्रिप चाहिए। इस टेप को टूथपिक के ऊपर इस तरह लपेट लेंगे और अब इसे पेंट करेंगे। छोटा सा सेक्शन ऐसे ही छोड़ देंगे। अब इसे पिंक पेंट करेंगे और पेंट को सूखने देंगे। इसके आसपास सिल्वर टेप लपेट लेंगे, ये और असली दिखना चाहिए। अच्छा लग रहा है। अब पॉइंटी एंड से टेप को निकाल देंगे। मैंने एक बोल में ब्लैक पेंट डाल लिया है, इस पॉइंट को इसमें डिप करेंगे। वाह, अब इसे बाकियों के साथ रख देंगे। कितनी बढ़िया लग रही है, सनी बिल्कुल हैरान होने वाली है। मैं इन्हें उसके डेस्क पर रख देती हूँ। और अब? हाँ, मैं कहाँ हूँ? ये क्या हुआ? ओ नहीं, अपनी पेंसिल्स देखो। क्या, कैसे? विश्वास नहीं हो रहा, इतनी छोटी है। क्या हम जॉइंट्स है? ये बहुत अजीब है। तुम बुद्धू बन गई। क्या मतलब? तुम्हारी पेंसिल्स यहाँ है। हाँ, बहुत बढ़िया, लो वापस ले लो। फिर हाँ, तो इस लाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे, ये आसान लगता है। रुको, दोबारा शुरू करें। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैडिसन, तुम्हारे पास कैंची है? हाँ, क्या? मुझे कैंची चाहिए। समझ गई, वो यहीं कहीं होगी। मैं देखती हूँ, आसपास ही होनी चाहिए, मैंने अभी देखी थी। जरा रुको, क्लास खत्म होने वाली है, बस एक सेकेंड। मेरा यूनिक फाइलिंग सिस्टम है,
तुमने पेपर के नीचे देखा? ब्लू या ऑरेंज पेपर के नीचे? देखना भी बहुत मुश्किल है। रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है। मैडिसन, ये देखो क्या है। तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। पहले कार्ड को इस तरह फोल्ड करेंगे, अब इसे खोल लेंगे, अब इसे वर्टिकली फोल्ड करेंगे और कोने तक की क्रीज बनाएंगे। अब कार्ड को उल्टा कर लेंगे और दोबारा फोल्ड करेंगे, कोनों को फोल्ड कर लेंगे जैसे पेपर प्लेन बनाते हैं, बिल्कुल वैसे। अब साइड्स को फोल्ड कर देंगे, अब इसे बेंड कर लेंगे, अब इसे उल्टा करेंगे और यही स्टेप रिपीट करेंगे। इस ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे, बस हो ही गया। अब इसे खोल लेंगे, ये बॉक्स बन गया, इसमें सारे पेपर और कार्ड आ जाएंगे। वो तुम तो जीनियस हो, मुझे पसंद आया। रुको, अभी और भी है। इसमें सब कुछ रख लो, इससे तुम्हारा डेस्क साफ रहेगा। वाह, तुम्हारे बिना मैं क्या करती। जरा मेरे डेस्क को देखो, इतना साफ तुम्हें कभी नहीं लगा। और ये रही कैंची, मैं जानती थी इसके नीचे ही होगी। अब ले लो। शुक्रिया, मुझे एक क्राफ्ट पूरा करना होगा। एक और चीज करनी बाकी है। आह, मजा आ गया, ये वापस ले लो। मैडिसन, सच में कुछ नहीं हो सकता। बहुत बोरिंग है, हम चले जाएं। नंबर वन बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं तुम्हें इसका एक फैक्ट बताता हूँ। अरे यार, इंतजार नहीं हो रहा, मैं तब तक सो जाती हूँ। हे मैडिसन, जाग जाओ, तुम क्लास में नहीं सो सकती। वो गहरी नींद में सो गई है। ओह, मैं समझ गई, इससे ये जरूर उठ जाएगी और मेरी भी टारगेट प्रैक्टिस हो जाएगी। मैडिसन, हाँ, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम सो गई थी, मेरी क्या गलती है? मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, अब मैं जाग लूंगी, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, शायद इससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे। जरा रुको, इससे मुझे एक आइडिया आया। पहले हमें ब्लैक पेन चाहिए, कप के रिम पर इस तरह मार्क्स बना देंगे बराबर की जगह छोड़ते हुए। अब कैंची लेंगे और मार्क्स पर कट लगा देंगे। अब इसके सिर्फ चार सेक्शन ही छोड़ेंगे और एंड्स को फोल्ड कर देंगे। मैंने बीच में एक छेद कर लिया है, इसके अंदर स्ट्रॉ डालेंगे। अब एंड्स को वापस फोल्ड कर लेंगे, इसे टेप से सिक्योर करेंगे। अब इसे दूसरे कप में डालेंगे, अब बेस से इसमें स्ट्रॉ को घुसाएंगे। सनी, ये देखो। ये क्या है? अब देखना, मैं इसे पेपर बॉल के ऊपर रखकर स्ट्रॉ को खींचूंगी तो ये ग्रैब कर लेगा। मेरे पास तुम्हारे लिए भी है। वाओ, शुक्रिया, ये तो बहुत दिलचस्प है। पकड़ लिया। हाँ, ये क्या कर रही हो? अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ओह प्लीज बताइए। ये टेस्ट बहुत मुश्किल है। हाय सनी। हे, क्या चल रहा है? मैं तो होप शूट कर रही थी। मुझे ध्यान लगाने दो। जो भी हो, तुम बिल्कुल नर्ड हो। सनी, क्या कर रही हो? पता नहीं क्या क्या करती रहती है। इसे कचरे में फेंको। क्या? मैं काम कर रही हूँ। कुछ लोग बहुत रूड होते हैं। ठीक है, मैं कर देती हूँ, सभी मुझे करना पड़ता है। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ, ये चलेगा। बॉटल को आधा कर लेते हैं। अब बॉटम सेक्शन में बहुत सारा ग्लिटर डालेंगे। वाह, देखो कैसे चमक रहा है। अब इसे रख देते हैं। हमें कार्ड चाहिए, इसमें से सर्कल्स और रेक्टेंगल्स काट लेते हैं। अब इन्हें साथ में जोड़ लेंगे, इसे बॉटल के अंदर डाल लेंगे। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है, मुझे तो अच्छा लगा। मेरे पेंसिल्स के लिए परफेक्ट है, इन्हें इसमें रखते हैं। वाह, मुझे पसंद आया, तो कैसा लगा? ठीक है, पर मेरा टेस्ट पूरा हो गया। क्या, मैं तो भूल ही गई थी। ओह नहीं, क्लास खत्म हो गई, मैं अब फेल हो जाऊंगी। स्कूल में होना आसान तो नहीं होता, बहुत सारी पढ़ाई होती है, पर हमें चीजें थोड़ी आसान बनानी चाहिए, इसीलिए हमारे पास ये बढ़िया क्राफ्ट है जिनसे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपका सबसे अच्छा स्कूल हैक क्या है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और काम की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ये गेम बहुत बढ़िया है, मुझे पसंद आई। तो मैं ये ढूंढ रही थी। उफ, मेरे ब्रशेस गिर गए, मैं उठा देता हूँ, कोई बात नहीं। आओ, बहुत जोर से लगी, माफ करना। और शुक्रिया। ओ नहीं, यहाँ तो पानी फैल गया। अब तुम ये पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, बहुत गुस्सा आ रहा है। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पेपर पर थोड़ी इंक डालेंगे
पानी से थोड़ी फैल जाएगी। कितनी बढ़िया लग रही है, इस पर और ड्रॉप्स डालेंगे। वो ये परफेक्ट है, जैसे दो सर मिल रहे हो। इससे मुझे कुछ याद आया। तुम क्या सोचती हो ऐसी, तुम्हें पसंद आया? वाह ये बहुत सुंदर है, विश्वास नहीं हो रहा ये तुमने बनाई। एक और चीज, उम्मीद थी तुम ऐसा ही कहोगे। ध्यान दो क्लास, मैं चाहती हूँ आप एक यूनिकॉर्न बनाएं। हाँ वाह जरा ये देखो, मैं शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती, ये बहुत बढ़िया बनेगा। मुझे यूनिकॉर्न बहुत पसंद है और ये वाला सबसे अच्छा होगा, बहुत सुंदर। लो हो गया, कैसा लगा? हाँ ठीक ही है, मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। तुमने सब कैसे किया, ये तो एक आर्ट है। मेरा यूनिकॉर्न बेकार है, मुझे कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी से फोटो ले लेते हैं। मैं बहुत तेज हूँ, अब एक और चीज करनी है, जल्दी करना होगा। नहीं। हे डैडी। ओह कितना प्यारा यूनिकॉर्न है, मैं चाहती हूँ आप इसे ड्रॉ करो। सच में कोई परेशानी नहीं है, मुझे टॉय हॉर्स चाहिए। इसे पेपर पर रखेंगे, अब इसे ट्रेस करेंगे। आपको ये आता है ना? भरोसा रखो मैं ये पहली बार नहीं कर रहा। ये देखो एक शानदार यूनिकॉर्न। ये पिक्चर जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत बेकार है डैड। हर कोई क्रिटिक बन जाता है, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। बस एक सेकंड दो, इस पर कलर करेंगे। टडा एक जबरदस्त यूनिकॉर्न। क्या आप इसे एक ही चीज कहते हैं? ये यूनिकॉर्न है और वो नेचर के इंसल्ट है। मुझे तो ये पसंद आया। चलो मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। जरा रुको मैं समझ गया। हाँ ये शायद काम करे, ग्लास को पिक्चर से निकाल लेंगे ये काम आएगा। यहाँ अंधेरा होना चाहिए, तो शुरू करते हैं। पहले हॉर्स को जूम करेंगे, फोन के साइड में गम लगा देंगे। अब इसे इस तरह खड़ा कर देंगे, पिक्चर फ्रेम ग्लास को इस तरह लगाएंगे, इतना ठीक लग रहा है। अब यूनिकॉर्न को पेपर पर प्रोजेक्ट करेंगे, इसके आसपास ट्रेस करेंगे। ये कितना आसान है, बस लाइंस को फॉलो करना है एकदम आराम से। ये परफेक्ट होना चाहिए, जब ये हो जाए तो फिर इसमें कलर करेंगे। वाह कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे को ये पसंद आएगा। सर को पिंक पेंसिल से कलर करेंगे, पेन इस्तेमाल करेंगे, इससे इसमें शेडोइंग करेंगे। लगता है हो गया, अब ग्लास निकाल लेंगे। वो कमाल है, थैंक्स डैड। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा था। क्लास में वापस चलते हैं, बस मुझे कोई देख ना ले। मैं आ ही गई। मैंने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली। वाह शानदार, बिल्कुल असली लग रही है। वो तुम तो सच में एक आर्टिस्ट हो ऐसी। हाँ हो तो सही। ऐसी ही मजेदार वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आप अपने आप को क्राफ्टी कहते हैं, तो आप जानते हैं कि हमें इनका क्या करना है। पर चाहे आप जितने भी आर्टिस्टिक रिचुअल फॉलो करें, कुछ ऐसे हैक्स होते हैं जो सिर्फ बहुत समझदार आर्टिस्ट ही जानते हैं, और हम आपको उनमें से ही कुछ सीक्रेट्स बताएंगे। और जब आप उन्हें इस्तेमाल कर आर्ट बनाएंगे तो आप भी उन जैसे हो जाएंगे। बस हमें क्रेडिट देना मत भूलना अगर आपका पीस किसी गैलरी में जाए। ये तो कमाल है, चलो बनाना शुरू करें। तो चले हाँ? हाँ, ये लड़का कौन है, उसके कपड़े तो देखो, ये आया कहाँ से है? हम इसे बुलाना चाहिए। है कैसे हो? ओह हाथ पे कुछ नहीं है। ओ, एक नहीं तो कोई दोस्ती नहीं, मैं टीचर को बताऊंगा। इंक नहीं है, ये क्या बात हुई? मिस्टर देख नहीं सकते मैं काम कर रहा हूँ। पहला हो गया, अब क्या है? मम्मी मुझे स्कूल में कोई पसंद नहीं करता, टैटू के कितने पैसे लगते हैं? नहीं तुम सोचना भी मत, पर कुछ ऐसा जो परमानेंट ना हो। तुम्हें स्टार्स पसंद है ना? ये नीडल से कम दर्द करेगा। पानी में डिप करें और बहुत सारी शेप्स बनाएं। एक और बार डिप करेंगे, ऐसे ही बहुत सारे बनाएंगे।
देखो कैसे तैर रहे हैं। ओह जरा रुको, क्या कर रही हो? वाओ, ओह रिफ्रेशिंग। क्या ये मैं हूँ? अब मेरे बाजू पर करो, एक स्पाइडर बनाओ। नहीं मॉम, मुझे घर नहीं जाना। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? हे गाइस, ये देखो मेरे पिता तो उधर। क्या? हे, उसके पास भी है। देखो। वाओ, क्या बात है दोस्त, तुमने कैसे बनाए? मेरी मम्मी ने बनाए। तुम्हारी मॉम कितनी कूल है। एक्सक्यूज मी, वापस आओ। बाय। अब मुझे नहीं छोड़ सकती मॉम। मैं एक घंटे के लिए जा रही हूँ स्वीटी। अब खड़े हो जाओ। मैं तुम्हें फिर मिलती हूँ, ठीक है? अपनी बहन के साथ खेलो। अब ये करना पड़ेगा। इसके चेहरे को तो देखो। कोई बात नहीं, हम खेल लेते हैं। चलो कार्स की रेस लगाएं। हाँ, मैं ये खेल सकती हूँ। मुझे व्हाइट वाली चाहिए। नीचे बैठ जाओ। वो कब तक वापस आएंगी? इसमें ऐसा क्या है, लड़कों को कार्स इतनी अच्छी क्यों लगती है? हे, मैं जानती हूँ ये और मजेदार कैसे होगा। मैं टेबल पर ड्रॉ करूंगी। तो पागल हो? बहुत बुरा है, शुक्र है मेरे पास ये है। अरे यार, सब साफ कर दिया। अब हम क्या करें, हर किसी को सॉकर पसंद है ना? चलो भी, ये मजेदार होगा। हे, ये देखो, पकड़ो। मिस हो गई, पर मजा आया शायद। हे, ये वाली ट्रिक देखो, कूल है ना? नहीं, क्या भी? क्या? तुम फर्नीचर पर ड्रॉ नहीं कर सकती, मैंने कहा ना। सॉरी, पर मैं जानती हूँ कहाँ ड्रॉ कर सकती हूँ। दीवार पर इतनी जगह है, ये एक अच्छा मास्टरपीस होगा। तो चलो। मेरी बाजू थक गई है। क्या भी, तुम कहाँ हो? नहीं, हे भगवान, मैं वापस आ गई बच्चों। ये क्या? आप घर आ गई। देखो मैंने आपके लिए क्या बनाया। तुमने दोबारा उसका ध्यान नहीं रखा, कभी नहीं रखते। रुको, मुझे ही कुछ करना होगा। क्रेयॉन को रख दो। क्या भी, ये मत करो, उसे रख दो। क्या? मैं और नहीं सह सकता। वो मेरा फेवरेट क्रेयॉन था। रुको, माफ कर दो, रो मत। क्रेयॉन्स के साथ मस्ती हो जाए। पहले से ब्लेड से शेव कर ले, बहुत सारे कलर्स ले। अब इस पर हाथ रखकर फैला दे। अब इस पर ड्रॉ भी कर सकते हैं। हम इसे कहेंगे मिस्टर रेनबो। लाते मत भूलना। लो, कूल है ना? मुझे पसंद आया, मैं ट्राई करूं। बच्चों, मैं घर आ गई, मेरे बिना मजा आया? दोबारा। हाँ, साथ में खेलते हुए कितने अच्छे लगते हैं। जरा सा मैं यहाँ पर लगाता हूँ और शेडिंग करेंगे। मैं लेट कैसे हो गई? क्या भी? हाँ, हाय, माफ करना, मैं आ जाऊँ? ठीक है, थैंक यू। मैंने क्या मिस किया? ध्यान दो। तो क्लास शुरू करो। मैंने सुन लिया। ये भगवान, मैं भी ऐसा बना सकती हूँ, पर पेंट से नहीं, इससे काम करना होगा। चैलेंज एक्सेप्टेड। ओह, मैं सामान सारा लाया हूँ ना? हाँ, एक्सक्यूज मी, एक मिनट को, देखो ये तो इरेजर है, पर मैं इसका क्या करूं? उसका सामान तो देखो, उसके पास कितने ब्रशेस हैं,
और मेरे पास एक भी नहीं। मैं कुछ सोचती हूँ। तुम मेरे साथ शेयर कर लोगे? क्या मेरा सामान? हाँ, पेंट। मुझे नहीं लगता। वो कितना सेल्फिश है। तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। पर मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं आ रही हूँ। टीचर देख तो नहीं रही ना? बढ़िया। मैं ये लूंगी। इसमें और क्या है? कुछ भी नहीं। बिंगो! पेंट बेबी। अब डेस्क पर वापस चलते हैं। उसका आधा बन चुका है। चलो रेड कलर से शुरू करें। और ब्रशेस ना हो तो फिंगर्स इस्तेमाल करो। और फिंगर्स से काफी अच्छा टेक्सचर आता है। आपको ये पैरेट लग रहा है? ये स्ट्रोक्स फिंगर्स की तरह लगेंगे। देखो अब ये बन रहा है। कितना असली लग रहा है ना? ओह, ठीक है। चलो रख दो। क्लास जस्टिन तैयार है? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है जस्टिन, अपना दिखाओगे अभी? और इसमें ब्रशेस की भी जरूरत नहीं पड़ी। मुझे विश्वास नहीं होता। क्या बात है, ब्रावो गैबी। अच्छा, थैंक यू। क्या पेंट करूं? ओह हाँ, ओह, जादू ने तो मुझसे भी अच्छा काम किया। बढ़िया, मैं बस एक डेजी पेंट कर रही हूँ। ये बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है। चलो तुम्हारा आर्ट वर्क देख लेते हैं। बहुत अच्छा काम किया, इम्प्रेसिव भी। और यहाँ क्या है? ओह, खैर, तुमने ट्राई तो किया। वो गए, अब मेरे पास एक सीक्रेट है। एव, तुम पेंट वाटर क्यों पी रही हो? ये वो नहीं है, मैं दिखाती हूँ। देखो, ये ऑरेंज फैंटा है। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज हो। शुक्रिया, ये लो थोड़ी पियो। मेरी तो प्यास ही बुझ गई। वहाँ क्या है? ये पेंट वाटर पी रहे हैं? मैं इनका क्या ही करूं? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वांड मूवमेंट्स बहुत जरूरी है। तुम ट्राई करो। ओ यार, हमारे वाले तो काम ही नहीं किए। दूसरी बार भी फेल हो गया। तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। इस बार मैं करके दिखाऊंगा। अरे वाह, हो गया, मैंने कर दिया। अब ये असली बर्गर है। अरे वाह, मुझे भी बर्गर चाहिए। क्या ये तो उल्टा हो गया। मेरी किस्मत में कोई बर्गर नहीं है, लेकिन मेरे पास बैकअप स्नैक है। आ जाओ नेकलेस, मुझे भूख लगी है। काफी बेहतर है। हे, तुम ये कैंडी नेकलेस कहाँ से लेकर आई? मैंने खुद बनाया है, बहुत ही आसान है। मैंने चिवी स्किटल्स इस्तेमाल किए। देखो, मैंने ब्रेसलेट भी बनाया है। ये लो, तुम भी खा लो। हाँ, ये बहुत बढ़िया होगा। स्वादिष्ट। मैं क्या कह रहा था? हे, क्या ये क्लास में खा रहे हैं? यहाँ खाना मना है। मेरे हॉर्न जग रहे हैं। नहीं, मुझे पिग नोज नहीं चाहिए। अब वो कभी रूल्स नहीं तोड़ेंगे। ये क्लास बहुत बोरिंग है। ह्यूमन स्कल का स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट में भी आएगा। मैं सब लिख लेता हूँ। ओह नहीं, शुक्र है मेरे पास इरेजर है।
बिल्कुल नहीं जैसा। और कितना बोर होंगी, ये क्लास कभी खत्म ही नहीं होगी क्या? उप्स, मैंने पेपर में छेद कर दिया और ये पूरी नोटबुक के बीच से गया है। मुझे पेन ही रख देना चाहिए। अब इस इरेज़र की बारी है। इधर आओ, मैं तुम्हें अपना सीक्रेट बताता हूँ। ये असली इरेज़र नहीं है। मैंने इरेज़र लिया, पेपर निकाला और एक चाकू लिया। फिर मैंने एंड्स हटा दिए, दोनों एंड्स ही हटाए और फिर थोड़ी ग्लू ली और इरेज़र के एक तरफ कोने पर लगाई और फिर मैंने इसे रैपर में ही लगा दिया। जब ग्लू सेट हो गई तो मैंने इस रैपर में नट्स भरे। ये छोटे हैं ना, तो ये फिट भी हो गए। और फिर मैंने इरेजर का दूसरा हिस्सा रैपर पर लगा दिया और इसी तरह मैंने एक छोटा सा स्नैक पाउच बना लिया। देखा, ये दिखता तो इरेजर की तरह ही है ना, लेकिन ये लो कैंडी खाओ। हे, हमें भी कैंडी मिल सकती है। खैर ठीक है, मेरे बारे में मत भूलना। ठीक है, ये लो। एक सेकेंड, लाओ इधर दो। अरे यार, मेरे नोट्स। ये बुरा हुआ, वो मेरा नकली इरेजर ले गई। पर देखो, मेरे पास एक और है। ये गेम बहुत बढ़िया है, मुझे पसंद आई। तो मैं ये ढूंढ रही थी। उप्स, मेरे ब्रशेस गिर गए, मैं उठा देता हूँ, कोई बात नहीं। आओ, बहुत जोर से लगी। माफ करना। और शुक्रिया। ओ नहीं, यहाँ तो पानी फैल गया। अब तुम ये पेपर इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, बहुत गुस्सा आ रहा है। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। पेपर पर थोड़ी इंक डालेंगे, पानी से थोड़ी फैल जाएगी। कितनी बढ़िया लग रही है, इस पर और ड्रॉप्स डालेंगे। वो ये परफेक्ट है, जैसे दो सर मिल रहे हो। इससे मुझे कुछ याद आया। तुम क्या सोचती हो ऐसी, तुम्हें पसंद आया? वाह, ये बहुत सुंदर है, विश्वास नहीं हो रहा ये तुमने बनाई। एक और चीज, उम्मीद थी तुम ऐसा ही कहोगे। ध्यान दो क्लास, मैं चाहती हूँ आप एक यूनिकॉर्न बनाए। जरा ये देखो, मैं शुरू करने का इंतजार नहीं कर सकती। ये बहुत बढ़िया बनेगा, मुझे यूनिकॉर्न्स बहुत पसंद है और ये वाला सबसे अच्छा होगा। बहुत सुंदर, लो हो गया। कैसा लगा? हाँ ठीक ही है, मेरा वाला ज्यादा अच्छा है। तुमने ऐसा कैसे किया, ये तो एक आर्ट है। मेरा यूनिकॉर्न बेकार है, मुझे कुछ करना होगा। मेरे पास एक आइडिया है, जल्दी से फोटो ले लेते हैं। मैं बहुत तेज हूँ। अब एक और चीज करनी है, जल्दी करना होगा। नहीं। हे डैडी। ओह, कितना प्यारा यूनिकॉर्न है, मैं चाहती हूँ आप इसे ड्रॉ करो। सच में कोई परेशानी नहीं है, मुझे टॉय हॉर्स चाहिए। इसे पेपर पर रखेंगे, अब इसे ट्रेस करेंगे। आपको ये आता है ना? भरोसा रखो, मैं ये पहली बार नहीं कर रहा। ये देखो, एक शानदार यूनिकॉर्न। ये पिक्चर जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा, बहुत बेकार है डैड। हर कोई क्रिटिक बन जाता है, पर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। बस एक सेकंड दो, इस पर कलर करेंगे। टाडा, एक जबरदस्त यूनिकॉर्न। क्या आप इसे एक ही चीज कहते हैं? ये यूनिकॉर्न है और वो नेचर की इंसल्ट है। मुझे तो ये पसंद आया। चलो मुझे कुछ सोचने दो, मैं कुछ तो कर सकता हूँ। जरा रुको, मैं समझ गया। हाँ, ये शायद काम करे। ग्लास को पिक्चर से निकाल लेंगे, ये काम आएगा। यहाँ अंधेरा होना चाहिए, तो शुरू करते हैं। पहले हॉर्स को जूम करेंगे, फोन के साइड में गम लगा देंगे। अब इसे इस तरह खड़ा कर देंगे, पिक्चर फ्रेम ग्लास को इस तरह लगाएंगे, इतना ठीक लग रहा है। अब यूनिकॉर्न को पेपर पर प्रोजेक्ट करेंगे, इसके आसपास ट्रेस करेंगे। ये कितना आसान है, बस लाइंस को फॉलो करना है, एकदम आराम से। ये परफेक्ट होना चाहिए, जब भी हो जाए तो फिर इसमें कलर करेंगे। वाह, कितना बढ़िया लग रहा है, ऐसे को ये पसंद आएगा। सर को पिंक पेंसिल से कलर करेंगे, पेन इस्तेमाल करेंगे, इससे इसमें शेडोइंग करेंगे। लगता है हो गया, अब ग्लास निकाल लेंगे। वो कमाल है, थैंक्स डैड। मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा था। क्लास में वापस चलते हैं, बस मुझे कोई देख ना ले। मैं आ ही गई। मैंने अपनी ड्राइंग पूरी कर ली। वाह शानदार, बिल्कुल असली लग रही है।
वो तुम तो सच में एक आर्टिस्ट हो ऐसी। हाँ हो तो सही। गाइस हमें क्रिएटिव होना होगा, चलो पेंट करें। इसे पेपर पर डालते हैं। वाह कितना ब्राइट है, इसे ऐसे फैलाते जाएंगे। हाँ मैं जानती हूँ ये कैसे करना है। अब अपने फोन से फोटोज लेते हैं। ओ हाँ बिल्कुल ऐसे ही इन्हें पोस्ट करेंगे। वाह लोग अभी से इतना रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ उन्हें पसंद नहीं आया, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं चाहिए था। लोग कितने बुरे होते हैं। इसे फेंकना होगा। हाँ ये क्या था। वाह जरा इसे देखो, आज का दिन मेरे लिए लकी है। कलर्स कितने वाइब्रेंट हैं और ये पैटर्न कितना जबरदस्त है। पर अभी और भी काम बाकी है और ये मैं ही करूँगा। कहाँ है। नहीं ये नहीं चाहिए। इसके नीचे क्या है, एक गोल्ड बार। बेकार है। ओह हेलो, इसे बात के लिए रख लेता हूँ। जरा रुको मैं यही तो ढूंढ रहा था। पेंटिंग के ऊपर पानी डालेंगे, पेंट थोड़ा लूज हो जाए, मतलब ये थोड़ा गीला हो जाए तो कलर्स मर्ज हो जाएंगे इस तरह। मैं कचरा फेंक देती हूँ। ये क्या, अब काफी बेहतर है। तुम कौन हो। मुझे ये अपनी कलेक्शन में चाहिए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। डील पक्की हुई, आपके साथ काम कर कर अच्छा लगा। पर वो मेरी पेंटिंग है। उसे इग्नोर करो। वाह मैं अमीर हूँ। मुझे वो स्प्रे बॉटल चाहिए। एकदम आराम से बस पहुंच ही गए। कौन है। हाँ हाँ मैं आपका मंकी पेंट करूंगा। बाल बाल बचे, अब मैं एक आर्टिस्ट बन जाऊंगी। अब चलना होगा। मैं ये पर्पल पेंट करूंगा। उप्स कचरा तो मैं भूल ही गई थी। दिलचस्प है, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ पर मैंने आर्टिस्ट को ऐसा करते देखा है। कूल लग रहा है। हाँ लगता है मैं तैयार हूँ। चलो एक मास्टरपीस बनाएं। मुझे कुछ अच्छा सोचना होगा। अच्छा तो मैं खुद नहीं हूँ तो क्या सोचूं? सुनने में खुद ही अजीब लग रहा है। क्या बकवास है, बहुत बेकार, बहुत हुआ। ये कमाल का है, मदर नेचर को मुझ पर गर्व होगा। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, मैं कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता, मैं हार मानता हूँ। एलेक्स तुम अंदर हो। ये गंद क्यों मचा हुआ है, हर जगह पेपर फैले हुए हैं। पता नहीं मैं इतना क्यों सोचता हूँ, किसे पता था ये इतना मुश्किल होगा। हाँ? हाँ? क्या हुआ। मैं पेंट करने की कोशिश कर रहा था पर ये सब बेकार है। वाह तुम कितने ड्रामेबाज हो, मुझे हंसी आ जाती है। इसमें इतना फनी क्या है। ये मुझे दो। हाँ? हे, वो मेरा है। मैं उदास होता हूँ तो मैं कुछ खाता हूँ। अपना पैर संभालो। सैलरी मुझे दो। कभी नहीं। तो ऐसी बात है। हाँ बस करो एलेक्स। ये एयरबॉर्न है, देखो तुमने क्या किया। जरा रुको, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। तो शुरू करते हैं। सैलरी को काटेंगे, मेरे कराटे लेसन काम आ रहे हैं। अब एक ब्लू पेपर की शीट लेंगे, उसके ऊपर रेड पेंट डालेंगे, बहुत सारा, इतना काफी है। अब पेंट में सैलरी को डिप करेंगे, इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। मुझे ऐसे ही चाहिए। अब मुझे एक ब्लैंक कैनवस चाहिए, सैलरी को उल्टा करेंगे और पेपर पर प्रेस कर देंगे। अब ग्रीन पेंट चाहिए, एक स्टेम पेंट करेंगे और इसकी लीव्स भी। ये एक सुंदर सा फूल है। कमाल है, असली आर्टवर्क सेल पर लगा है, मिस मत कर देना। वो क्या तुमने ये देखा। दो ताली। ये मुश्किल है, इतना काम कर मुझे भूख लग रही है। शुक्र है मैं तैयार था, ये बहुत टेस्टी है। मैं क्या ड्रॉ करूं? कुछ सोच नहीं पा रही, ये इतना मुश्किल क्यों है और मैं एक नाचते हुए बंदर के बारे में क्यों सोच रही हूँ, अजीब है। हे ऐसी, हाँ तुम्हें सैंडविच ट्राई करना चाहिए। एलेक्स ध्यान से, वो केचप देखो एलेक्स। क्या, ओ नहीं, ऐसा हमेशा होता है। साफ कर देता हूँ, अभी मैं हमेशा अपने साथ नैपकिन रखता हूँ, इसे साफ करना होगा। तुम तो इसे और खराब कर रहे हो। सब हो जाएगा, रुको बस करो। तुमने मुझे इंस्पायर कर दिया एलेक्स। पेपर पर इरेजर से ड्रॉ करेंगे, उम्मीद है ये काम करे। अब पेपर पर ब्रश से पानी डालेंगे इस तरह नीचे तक, इसे अच्छे से कवर कर देंगे, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए।
अब इस पर टिश्यू पेपर लगा देंगे। मैं ब्लू और रेड इस्तेमाल कर रही हूँ। पेपर को ओवरलैप करते जाएंगे ताकि ये भी पानी से गीले हो जाए। इसे पूरे पेपर पर लगा देंगे और कलर्स बदलते जाएंगे। ये आखिरी पीस है। पेपर को दोबारा गीला करेंगे, ज्यादा भी नहीं, बस जरा जरा सा गीला होना चाहिए। अब इसके सूखने का इंतजार करेंगे और बहुत आराम से इसे निकाल देंगे। ये हिस्सा मजेदार है। कलर पेपर पर ट्रांसफर हो जाएगा, पर इरेजर की ड्रॉ की हुई जगह पर नहीं। ये अभी भी व्हाइट है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है। जरा देखो एलेक्स। वो कितना कूल है। तुम मेरी तरह ही सोचती हो ऐसी? क्या सच में मेरा सैंडविच शेयर करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। खैर, तो मैं ही खा लेता हूँ। मेरा टूल तैयार है। मैंने तो अभी एक भी स्ट्रोक नहीं लगाया था। खैर, कम से कम मेरे पास ये तो है। नहीं, मैंने ऐसा क्यों किया? क्या? मेरा पेंट ब्रश टूट गया। ओह, बुरा हुआ। हे, जरा एक मिनट रुको। ये पास्ता देखो, इसे रबर बैंड से सिक्योर कर देंगे और इसे कोने पर लगाएंगे। अब इसे उबलते पानी में डुबोएंगे। परफेक्ट, मैं यही तो चाहता था। ये इस्तेमाल करो एलेक्स। क्या ये पास्ता नहीं है? इससे पेंट करते हैं बेवकूफ। बस इसमें डिप करो। तैयार हो? चलो करें। ये सच में काम करता है। शानदार। एक चैलेंज? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पर हमें थोड़े टूल्स चाहिए। लो। हे, जरा वहाँ देखो। हाँ, तुम ये ड्रॉ करना चाहोगे? ये मेरा फेवरेट कलर है डैड। हाँ तो ठीक है, मिल गया। तुम्हें यही चाहिए था, तो चलो शुरू करें। टाइम के हिसाब से। तो मैं जल्दी निपटाता हूँ। बेटा, एक चुनो। ये सारे मेरे हैं। तो मेरे पास सिर्फ यही बचा है। मैं जानता हूँ क्या करना है। ये पानी कैसा रहेगा? अब सब बहुत दिलचस्प हो जाएगा। मार्कर को पानी में डुबोएंगे। अब ये स्प्रे टॉप वापस लगा देंगे। लो। हाँ, मुझे यही तो चाहिए था। मिल गया। जरा ये देखो, तुम अलग अलग कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो ये क्या बना। इसका मुकाबला कर दिखाओ। तो मेरा मास्टरपीस देखो। अरे यार, आपका वाला ज्यादा बेहतर है। ये गलत बात है। रो मत, तुम्हारा भी अच्छा बनेगा। हे, लगता है मैं जीत गया। एक मिनट रुको, मेरे पास पैसे हैं। या। क्या? हाँ, मुझे ये चाहिए। प्लीज, मुझे वो खरीदना है। तुम अच्छे सेल्समैन हो, तो ये लो। मैं जीत गया डैडी। मेरा काम चल जाएगा। तो अगला क्या है? बहुत बोर हो रहा हूँ। तो हम टीवी देख सकते हैं? नहीं, नहीं देखते हैं। समझ नहीं आ रहा। ये मजेदार लगता है। देखो, मुझे पसंद आया। चलो बनाएं। हाँ, मुझे सारे कलर्स चाहिए। देखते हैं, कुछ लाइंस यहाँ और थोड़ी ग्रास। ओ नहीं, मेरा पानी। ये फैल गया। नहीं, मेरे फूलों पर नहीं। ओ नहीं, बेटा कितनी खूबसूरत पेंटिंग थी। विश्वास नहीं हो रहा। ये गलत बात है। अब कभी पेंट नहीं करना चाहता। ये तो बहुत बुरा हुआ। शायद इतना भी बुरा नहीं है। मैं जानता हूँ क्या करना है। हम आज कुछ कर दिखाएंगे। नैपकिन ये पानी सोख लेगा। अब बाकी का बना सकते हैं।
इससे टेक्सचर बन जाएगा। ये स्क्रिबल्स जैसे दिख रहे हैं, जितने पेटल्स चाहे उतने बना दे और नुकीले भी बना सकते हैं। बस आराम से, ये बहुत अच्छा बनेगा। हाँ, होने ही वाला है। पता है, एक और बार बनाने में कोई बुराई नहीं है। क्या हाथ थक रहा है? चिंता ना करें, बस होने ही वाला है। और स्टेम ना भूल जाए। ग्रास पर थोड़ी लाइंस बनाएंगे, हमें बस डिटेल्स पर ध्यान देना है। थोड़ा सा यहाँ बनाएंगे। हे, देखो एलेक्स। हाँ? क्या? मैंने तुम्हारे फूल में जान डाल दी, पसंद आया? हाँ, दिखाओ मुझे। ओह, मुझे देखकर खुशी हुई। थैंक यू। आपका वाला कहाँ है? ओह, मैं अपना तो भूल ही गया। मैं कुछ सोच नहीं पा रहा। बुरा हुआ, पर ये कैसा रहेगा? अरे हाँ, हमने साथ में किया। ओ, टीम वर्क हमेशा काम करता है। हाँ। डैड, वो बहुत सुंदर है। जरा देखो, मुझे वो बहुत पसंद है। मैं इसे ड्रॉ करना चाहता हूँ। वाह। हाँ। पर मुझे लोगों को ड्रॉ करना नहीं आता। मैं मदद करता हूँ। क्या? बस देख देख कर ड्रॉ करो। समझ गया, मैं कर सकता हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं भी बेटा, बस मुझे ड्रॉ करना आता होता। हार्ट्स बनाना सही रहेगा, क्योंकि वो प्यार की बातें कर रहे हैं। हाँ, एलेक्स क्या ड्रॉ कर रहा है? ये हार्ट्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। मैंने पहले कभी ड्रॉ नहीं किया। ओह, ये कैसा मजाक है। हार्ट्स ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। मेरा वाला सही बना। मेरे वाले तो बहुत बेकार हैं। इतनी चिंता मत करो। मदद करो प्लीज। ओ, तुम मेरा ले लो। नहीं, मुझे अपना खुद से बनाना है। ओ, मैं समझ सकता हूँ, सोचने दो। ये कुकी कटर्स कैसे रहेंगे? मैं समझ गया। एक छोटा आलू लो, इस पर कुकी कटर लगाएं। हाँ, हो गया। हे एलेक्स, जरा इसे देखो। चलो भी डैड, एक आलू। ओह, शायद तुम समझे नहीं, इससे स्टैंप लगाओ। क्या? ठीक है, रेड प्लीज। और बस स्टैंप लगानी है? जी हाँ। ठीक है, लगा देता हूँ। ये तो काम कर रहा है। डैड, आप जीनियस हो। अरे नहीं, तुम आर्टविज हो। मजा आ गया। फिर मिलेंगे। ये मेरे दिल से तुम्हारे लिए। सच में? ओह, मुझे बहुत पसंद आया। मौका अच्छा है, काम कर लेना चाहिए। मैं लकी हूँ कि उन्हें ग्लासेस के बिना नजर नहीं आता। बहुत मजा आएगा। अपना काम करो पू। ये बेहतर है, मुझे इसकी कॉपीज करनी होगी। फोकस, ये टेस्ट है, कोई मजाक नहीं। ये लो, और एक तुम्हारा। हे, देखो पू। टेस्ट खराब हो चुका है। ठीक है क्लास, टेस्ट शुरू हो चुका है। मेडिसिन, ये लो। बढ़िया, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे सच में पढ़ना चाहिए था। कोई मेरी मदद कर दे। मैथ्स बहुत मजेदार है, ये कितना एक्साइटिंग है। वाह, उसे अपने आप को देखना चाहिए। पर हाय, तुम मेरी मदद कर दोगे? बिल्कुल, वैसे इसके पैसे लगेंगे, एक किस और तुम्हें आंसर्स मिल जाएंगे। मुझे इनकी इतनी भी जरूरत नहीं है। नहीं, ये बकवास है। हाँ, सोचो, तुम ये कर सकती हो। ये बस नंबर्स ही तो है, इससे कुछ भी नहीं हुआ। दिमाग चल जाए। मैडिसन, टाइम जा रहा है, जल्दी करो। मैं कोशिश कर रही हूँ। हाय, एक किस ही है ना? क्या दिन है, वाह। ये बस किस है, बस सोचो कि ये तुम्हारी ग्रैंड मॉम है। सीधा चीक पर।
मुझे माउथ वॉश चाहिए। हो गया। हे, मुझे अपने आंसर्स दो। ओह हाँ, डील तो डील है। यहाँ देखो, आंसर के लिए पहले इक्वेशन लिखो। अब दो नंबर्स को जोड़ो, 6 और 4 होते हैं 10। अब ये दो लो और 10 में से इसे माइनस कर दो, तो अब आया 8। अगले आंसर के लिए भी हम यही करेंगे। इस बार हम 2 और 5 को जोड़ेंगे, तो हमारे पास आया 7। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास आया 5। वाह, ये कितना अच्छा है। शुक्रिया, मैं ये कर सकती हूँ। पहला आंसर 8 है और फिर 5। उसे सारे आंसर्स पता है। ये देखो, तुम मेरी मदद कर सकती हो। हाँ, तुम्हें किस करनी होगी। मुझे चलेगा। गलत बात है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह हाय, देखो मैं क्या लाया, एक पपी। वाह, मैं इसे रख लूं? बिल्कुल, इसका नाम फ्लफी है। कितना प्यारा नाम है, तुम कितनी प्यारी हो। हाँ बिल्कुल। हाय गाइस। हाय, मैं बहुत सुंदर हूँ। क्या, हटो। नहीं, जो भी है मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दूंगी। नहीं, मुझे खरीदने की कोशिश मत करो। ठीक है। ओ, प्यारा सा पपी। ये गलत बात है, वो अपने आप को क्या समझती है। मुझे बहुत गुस्सा रहा है। मैंने इसे चॉकलेट बार पर निकाल दिया। इसे पकड़ोगी? हाँ बिल्कुल। मुझे पता है उससे बदला कैसे लेना है। मैं चॉकलेट पेपर को ऊपर से काट दूंगी। अब इसे उसकी नोटबुक पर लगा देंगे। लो, कितना प्यारा डॉग है। हे भगवान, ये पपी बहुत बुरा है, गंदा है। ये काम किया, मैं ये हटा देती हूँ। मैं वापस आ गई। हेलो फ्लफी, अच्छे बच्चे। अपना अपना टेस्ट अच्छे से करना, तुम शुरू कर सकते हो। ठीक है, मुझे ये सारा आता है। मुझे इसमें से कुछ नहीं आता। मैं हार्ट अटैक आने का नाटक करूं? ना, ये बेकार है। क्रिस, बातें नहीं। ओह सॉरी मिस। हे मैडिसन, क्या? मेरी मदद करो, मैं तुम्हें ये कैंडी दूंगा। तुम्हें पता है मुझे कैंडी कितनी पसंद है। ठीक है, ये लो। शानदार, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। ये आंसर्स, ये ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं यही ढूंढ रहा था। हे, अगर तुम्हें ये चाहिए तो आंसर्स मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ। बहुत गुस्सा दिला रहे हो। तो ये आया। सच में? ये कचरे में जाएगा। इसने किया? नहीं, इसने किया? ना, झूठा। ये कैसे बच्चे हैं? मैं अपनी बुक ही पढ़ लेती हूँ। चलो ये दोबारा ट्राई करें। हे, हे। अब क्या? ये कैंडी बार देख रही हो, ये कैसा रहेगा? हाँ, तो डील रही। हम ये करें कैसे? समझ गए। मुझे पता है। एक नोटबुक खोलें और बुक के बिल्कुल कोने तक टेप के स्ट्रिप्स लगाएं। इसे पूरे पेज पर लगाएं। अब एक स्पॉन्ज लें और इसे छोटे पीसेस में काटें। एक पीस हाइलाइटिंग पेन पर लगा दें। अब आपके पास कुछ भी मिटाने के लिए इरेजर है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। हे, तुम्हें आंसर चाहिए? ये देखो। तुम क्या कर रही हो? रुको, अब ये देखो। वाह, शुक्रिया, मुझे लगा मुझे आंसर मिलेंगे ही नहीं। वहाँ क्या चल रहा है? ओ, कुछ भी नहीं मिस। देखो, मेरा भ्रम होगा। बाल बाल बचे। हे, मुझे कैंडी बाज दो। तुम्हारे साथ काम कर अच्छा लगा। क्या प्रैक्टिस थी दोस्तों, बेहतर लग रहा है। रुको, मेरे पास नोटबुक वगैरह कुछ है। यहाँ मुझे वो लिखने वाली चीज चाहिए। पेन? हाँ बिल्कुल।
नहीं, यहाँ नहीं है, अब मैं क्या करूँ? हे स्मार्ट गर्ल, यहू मैं। हाँ, मुझे पेन मिल सकता है? ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये रहा। वाह शुक्रिया। ओ नहीं, ये टूटा हुआ है। हे स्मार्ट गर्ल, ये वाला खराब है, मुझे दूसरा मिलेगा। ध्यान दो ना। वाह, एक बार में दो दो। ओ, ये कैसे हो सकता है? ये लो, लो ये वाला लो। उसने इसकी रिसेट रखी होगी। स्मार्ट गर्ल, ये मेरा आखिरी पेन है। हाँ ठीक है। एक मिनट रुको, ये जूस बॉक्स काम आएगा, शायद ये स्ट्रॉ मदद करे। ये चलेगा। एक पेन खोले, इंक ट्यूब के बिल्कुल नीचे ग्लू लगाए इस तरह। अब एक स्ट्रॉ लें और इंक ट्यूब उसके अंदर डाल दें बिल्कुल नीचे ग्लू तक। ये पेन स्ट्रॉस की तरह दिखते हैं और इन्हें कोई नहीं मांगेगा। वाह ये कितने कूल है, मुझे पेन मिल सकता है? ये स्ट्रॉस है, माफ करना। ठीक है। हे ब्रो, तुम्हारे पास पेन है? हाँ, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। आज का सब्जेक्ट है पॉपिट यूनिकॉर्न। जो आखिर में कहेगा वो लूजर है। मैं जीत गया। हाँ मैं जीत गई। नाना तैयार हो? प्लीज, मैं हमेशा से तैयार हूँ, ये कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुझे जीतना ही होगा, जल्दी चलो भी। मैं ये आराम से जीत जाऊंगा, तुम हारने की तैयारी करो। हाँ बिल्कुल, लगभग हो ही गया। असली आर्ट छोड़ो, मुझे करना होगा। मेरी पेंसिल, मैं ये और इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये हो ही गया, मुझे ये नहीं चाहिए। वो कर क्या रही है? लास्ट सेक्शन। चलो भी, मुझे कर जीतना होगा। मुझे और पेंसिल्स चाहिए। वो क्या कर रहा है? आराम से करेंगे तो जीत ही जाएंगे। मैं उसे जीतने नहीं दे सकती, पर मेरे पास पेंसिल्स नहीं है। रुको, उसके पास पेंसिल्स नहीं बची, मुझे बाद में पछतावा होगा। जरा मुझे दिखाओ, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। हेलो, मेरे पास एक आइडिया है, ये स्प्रे काम आएगा। एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ लें और उसके अंदर पेंसिल निब लगाएं। दूसरे एंड के साथ भी यही करें। अब ये पेंसिल लिख भी सकती है और ड्रॉ भी कर सकती है। मैं इतनी आसानी से नहीं जीतना चाहता। हे, ये तुम्हारे लिए पेंसिल्स। मतलब मैं अपनी ड्राइंग खत्म कर सकती हूँ? शुक्रिया। कोई बात नहीं, रुको, शुरू करो। 3, 2, 1 चलो। मैडिसन, ये देखो, तुम्हें लॉलीपॉप पसंद है ना? पर इसमें से असली वाली बताओ। ओह ये रही, बढ़िया चीज है ना? वो कमाल है। आज के लेसन के लिए तैयार हो? बहुत मजा आने वाला है। मैं इंतजार नहीं कर सकती। ये रहा पहला वर्ड, मैं चाहूंगा कि तुम ये लिखो। चलो लिखो। ये आसान होगा। हाँ ध्यान लगाकर। और हो गया, कैसा लगा? क्या ये क्या है? चलो दोबारा ट्राई करते हैं, पहले आर लिखने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। ये हुई ना बात। ये कैसा है? ओह मैं जानता था टीचिंग मेरे बस की नहीं है। रुको, यहाँ पर एक कोट स्टैंड ने मुझे एक आइडिया दिया, इससे सब बदल जाएगा। पहले हम आर बनाएंगे और उसमें शेड करेंगे। अब एक सुंदर सा फ्लावर बनाएंगे और फिर चेहरा। अब इसकी बॉडी। ये अच्छा लग रहा है, पर इसमें और कलर करना होगा। स्पेलिंग सीखने से बेहतर आर्ट क्लास है, मुझे ये अक्सर करना चाहिए। अब बारिश होते हुए दिखाएंगे। क्या तुम कोड की आउटलाइन बना सकती हो? वाह, हाँ, मैं कोशिश करती हूँ,
ये काफी आसान है। वो कमाल है, क्या आपने देखा? बहुत अच्छा काम किया, मैं जानता था तुम ये कर लोगी। और ये तुम्हारे लिए, तो तुम यही कर सकते हो। हाँ? रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ जेरेड। आज के लेसन का समय हो गया क्लास, ये सब बकवास अभी के अभी बंद करो। तो हम शुरू करें। आज मैं चाहूँगा कि आप एक पिक्चर ड्रॉ करें। ओह, मजा आने वाला है। बोरिंग। मैडिसन क्या कर रही है? मैं कुछ सोच नहीं पा रहा, मतलब आर्ट पे फालतू की चीज है। चलो कुछ कर ही लेते हैं, इतने सारे पेंट है किसे चुनूं? ओह, मुझे गुस्सा आ रहा है। जरा रुको, तुमने बना भी ली? चलो भी कुछ सोचो। मैं समझ गया, मैं अपनी चेन इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले कैनवस पर व्हाइट पेंट कर देंगे, अलग अलग पोजीशन और एंगल्स पर ऐसे चेन्स लगाएंगे। अब कलर्ड पेंट पेपर पर लगाते जाएंगे, कोन पर अलग अलग कलर करते जाएं। अब इस मेटल रिंग से इस चेन को खींचेंगे और पेंट भी इस तरह घूमेगा और अनोखा सा पैटर्न बन जाएगा। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया है, अब मेरी तारीफ कर सकते हो। ये किस बारे में बात कर रहे हो? वो ये बहुत कूल है, पर मेरा यूनिकॉर्न ज्यादा सुंदर है, आपको पता है ना? जेरेड, कलर्स को कितने अच्छे से इस्तेमाल किया है, मैं जानता था तुम में एक जीनियस छुपा है। मैं, कोई बात नहीं मैडिसन, ये रहे तुम्हारे ग्रेड्स, मुझे यही सही लगता है। ब्रावो जेरेड, ब्रावो। पर मुझ में ज्यादा टैलेंट है। अब और नहीं, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार टीचर। इतना समय कहाँ लग रहा है? चलो भी जल्दी करो, मैं यहाँ पूरे दिन नहीं बैठी रह सकती। आ रहा हूँ। यहाँ पर दीवार है, गुदगुदी हो रही है। मुझे डेंटिस्ट ऑफिस बहुत पसंद है। जेरेड, चुप हो जाओ। हाँ, आपने क्या कहा? ओह, बस करो, हम यहाँ हर हफ्ते आ सकते हैं। जेरेड, ये मत करो। ये क्या है? कितना सॉफ्ट और फ्लफी है, जैसे टेडी बेयर को हक कर लगता है, वैसा लग रहा है। ओह यह, ये देखो। इतनी जल्दी नहीं, यहाँ बैठो, अब शरारत नहीं चलेगी, समझे? चलो कुछ ड्रॉ करें। मुझे ड्राइंग पसंद है। ये देखो स्वीटी, पहले एक पेज पर छोटे छोटे लाइंस बनाएंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरह सर्कल बना लेंगे। अब हर लाइन के ऊपर एक ब्लैक डॉट बनाएं। अब पतला वाला पेन लेकर छोटी छोटी लाइंस बनाएं। ऐसा लग रहा है ये बहुत सारे लोग हैं। इन सबके हाथ साथ जोड़ देंगे। पेंसिल से शैडोज बनाएंगे। और अच्छा इफेक्ट देने के लिए इसे रब करेंगे। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा है ना? वाव, ये तो बहुत कूल है। अब तुम्हारी बारी हनी, इंतजार कराने के लिए माफी चाहता हूँ। ओह, आप यहाँ हैं, आ जाइए। आओ जरा, मुझे एक मिनट। कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा। चलो स्वीटी। आराम से डैड। पर कॉन्टेस्ट है, मुझे इसे परफेक्ट बनाना है। तुम बहुत टैलेंटेड हो स्वीटी, पर चलो भी, हमें जाना होगा, समय बीतता जा रहा है। मुझ पर प्रेशर मत डालो डैड, रुको। ओह नहीं, मेरी प्यारी बच्ची। कोई बात नहीं, डैडी यहीं हैं। नहीं, मेरी ड्राइंग खराब हो गई, इसे देखो। हाँ, ये तो सच में खराब हो गई। अब कॉन्टेस्ट का क्या होगा? टर्न क्या हुआ है? ओह, सोचो, हम कुछ तो कर सकते हैं। मैं समझ गया, डैड तुम्हें बचा लेंगे। दोनों पेन लेकर एक पिक्चर बनाएंगे, ये बिल्कुल एक जैसी दिखेंगी। मैं नहीं जानता था मैं ये भी कर सकता हूँ। लो, हो गया, बढ़िया है ना? वो बहुत अच्छा है डैड। अब जल्दी अंदर आओ। हाँ हाँ, आपके साथ ही हूँ, यही हूँ, यही हूँ। वाह, विश्वास नहीं हो रहा। मैं जानता था तुम कर लोगी हनी, और ये सब मेरे कमाल के टैलेंट की वजह से हुआ।
मैं अब अपना अगला मास्टरपीस बनाऊंगा। इतना पेंट काफी है, अब इसे फैला लेते हैं। हाय स्वीटी, नहाकर मजा आ गया। अब मैं अपने बाल सुखा लेती हूँ, बालों में हवा जाते हैं, मजा आ जाता है। शाला ला ला ला। हूं? मॉम, ध्यान से। मैं नई लुक ट्राई करती हूँ। हे, ध्यान से, मुझे वो हैट पसंद है। ओह, ये अच्छा लग रहा है। आपने मेरी पेंटिंग खराब कर दी। आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता भी है आपने क्या किया? ये बेहतर है। ये सब आपकी गलती है। अब मैं क्या करूँगा? ओह स्वीटी, मुझे माफ कर दो, मुझे पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगी। मेरे पास एक आइडिया है। जरा ये देखो, कैनवस पर पहले एक्रेलिक पेंट डालेंगे, इसे सर्कल में डालेंगे, अलग अलग कलर्स इस्तेमाल करेंगे। अब एक हेयर ड्रायर से इसे फैला लेंगे, इससे वेव पैटर्न मिलेगा, पेंट मिक्स हो जाएगा तो बहुत बढ़िया कुछ बनेगा। मॉम, ये तो बहुत अच्छा है। हाँ मैं जानती हूँ डियर, पर हेयर ड्रायर के बिना ये नहीं हो सकता था। वाव, कमाल है, मैं इंस्पायर हो गया, मैं भी कुछ पेंट करूँगा। ये हुई ना बात। अब रुको मॉम, मुझे ये चाहिए। कोई बात नहीं, तो आज बाल ऐसे ही लेकर जाने पड़ेंगे। इस केक को बेक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ। मॉम मॉम देखो, हमें वेकेशन पर चलना चाहिए। जरा ये गोल्डन सैंड को तो देखो, आपको कैसा लगा? हाँ मैं भी जाना चाहती हूँ, बस एक चीज देख लूँ। पैसे कम है, फ्लाइट का खर्चा और रहने का भी। नहीं, ये नहीं हो सकता जेरेड। ये गलत बात है। कोई बात नहीं, मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि मैं ट्रॉपिकल आइलैंड पर हूँ। मुझे माफ कर दो हानी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, शायद इससे तुम खुश हो जाओ। जरा ये देखो, ये बीच का शेल है। रुको, ये है तो सुंदर, पर मैं एक शेल से नहीं मानने वाला हूँ। मुझे लगा ये काम करेगा। अब मैं क्या करूँ, कुछ तो करना होगा। जरा रुको, शायद मैं एल्यूमिनियम फॉइल इस्तेमाल कर सकती हूँ। कैनवस पर पेंट लगाएंगे, अब फॉइल को इकट्ठा कर लेंगे, पेंट पर फॉइल को डैप करेंगे, इससे अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक टेक्सचर इफेक्ट मिलेगा। अब इस पर और डिटेल्स लगाएंगे, जैसे कि ये शेल्स, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बीच पर है, और पत्थरों से टकराते हुए लहरों की आवाजें आ रही है। जेरेड, जरा इसे देखो, ये सुंदर है ना? वाव, इसे देखकर मुझे बीच की याद आ गई। बहुत अच्छा है मॉम, पर ये वेकेशन नहीं है, है ना? रुको, मेरे पास एक और आइडिया है, इसे सेल पर लगा देते हैं और अब इंतजार करना है। आहा, एक बुद्धू, मेरा मतलब है कस्टमर आया है। ये क्या हुआ, हम अमीर हो गए, इसका मतलब हम जा सकते हैं। हे भगवान, आज का दिन सबसे अच्छा है, आप सबसे अच्छी हो मॉम। मेरे लिए रुको, आपको घर जाकर पेंटिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए, मैं हमारा अगला वेकेशन प्लान कर रहा हूँ। हेलो डेस्क नेबर, अगर मैं इसे इग्नोर करूं तो शायद वो चली जाए। तुम्हें बात करना पसंद नहीं? मैं म्यूजिक सुन रही थी, कम से कम अब मुझे उसकी आवाज नहीं आएगी। ओ, ये उड़ रहा है, ये तो सच में एक एयरपॉड है। हे, वापस आओ, ध्यान से पकड़ो उसे। फिर कमाल है, सच बताना ये ठीक है ना? मुझे ऐसा नहीं लगता, बहुत बुरा हुआ। मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, इसे टॉप से साफ कर देती हूँ। ये नए जैसा हो गया, पर मैं इसे और बेहतर बना सकती हूँ। इस पर बार्बी स्टिकर लगाएंगे। अब मुझे एक पिंक पेन चाहिए, केस को कलर करना शुरू करेंगे, पूरे पर कर देंगे, पर स्टिकर के ऊपर नहीं करेंगे। बस हो ही गया, अब स्टिकर को हटा देंगे। जरा ये देखो, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। वाह, ये परफेक्ट है। मैं चाहती थी तुम यही कहो। मुझे यही तो चाहिए था। हे, तुम मेरे साथ म्यूजिक सुनोगी? ये लो। वो, ये चिल्ला रही है। मैं गा रही हूँ, मैंने ये खुद लिखा है। आर्ट क्लास में तुम्हारा स्वागत है, आज हम मास्टरपीसेस बनाने वाले हैं। मजा आएगा। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है, अब जरा ये देखो, मैंने इसे खुद बनाया है।
ओह, ये मेरी तरह लगती है, मैं एक मॉडल हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा ही बनाए। हाँ तो हमें ये करना चाहिए। सोचने दो। हाँ मैं तैयार हूँ, ये काफी बढ़िया दिखेगा। वाह ये परफेक्ट है। है तो बढ़िया, पर मैं अपनी ड्राइंग बनाऊंगी। जितना सोचा था ये उससे मुश्किल है, इसे फेंक देते हैं, दोबारा शुरू करते हैं। आराम से आराम से। चलो भी, ये इतना मुश्किल कैसे हो रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये तुमने क्या किया? ये गलती से हुआ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। ये ठीक नहीं हो रहा, ये खराब हो गया, मुझे माफ कर दो। हाँ ये क्या है? मेरी उंगली पर पेंट लग गया। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पेपर के दो पीसेस पर ऐसे स्केचेस बना लिए हैं। अब इसे कार्डबोर्ड पर ट्रेस करेंगे। अब कार्डबोर्ड में से एक सर्कल और रेक्टेंगल ले लेंगे, बारबी स्टेंसिल और इसका सर, इन दोनों को इस पर चिपका देंगे। अब इसे पिंक कार्ड से कवर कर देंगे। मुझे यही तो चाहिए था, ये स्टंप जैसा है। हाँ ये क्या है? हे, ये देखो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एक रोलर चाहिए होगा, इसे पेंट से कवर कर देते हैं। अब इसे स्टंप पर लगा देते हैं, अच्छे से कोट करेंगे। अब इसे पेपर पर प्रेस कर देंगे, ऐसा ही बारबी स्टेंसिल के साथ भी करेंगे। बस कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, इतना काफी है। अब इसे पेपर पर ट्रांसफर कर देंगे। ये काम किया, तुम्हें कैसा लगा? बढ़िया है ना, मैंने बहुत मेहनत की है। रुको, मैं जानती हूँ क्या करना है, मुझे एक गोल्ड पेन चाहिए, मैं अपनी ड्राइंग को अभी भी बचा सकती हूँ। पेंट की स्टेन के कोनों पर आउटलाइन करेंगे, इस पूरे पर बनाते जाएंगे एकदम आराम से, एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अब अगले स्टेज के बारे, सर पर ब्लैक पेंट कर देंगे, लाइंस के अंदर ही रहेंगे और ऐसा एक सिलुएट बना देंगे। वाह कमाल का लग रहा है। मैं जानती हूँ, ये शानदार है। वाओ, मुझे इसी रिएक्शन की उम्मीद थी। ओ, तुमने पूरा कर दिया। उसे इग्नोर करो, मेरी पेंटिंग सबसे अच्छी है। कमाल का काम किया, तुम दोनों असली आर्टिस्ट हो, बहुत अच्छे। उसे मेरी वाली ज्यादा पसंद है। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब लिपस्टिक लगा ले, ये शेड बहुत अच्छा है और ये मुझ पर जचता है, मैं अच्छी लग रही हूँ। मेरे पास भी लिपस्टिक है, मुझे थोड़ी और चाहिए, निकाल ली। गुदगुदी हो रही है। रुको ये क्या है? बस जरा सा परफ्यूम। खुशबू बहुत अच्छी है, मुझे सबसे अच्छे वाले ही पसंद है। मुझे परफ्यूम ढूंढना होगा। एयर फ्रेशनर काम आएगा, जरूरी नहीं है सिर्फ तुमसे ही अच्छी खुशबू आए। मेरी नाक में इससे खुजली हो रही है। अच्छा मेरी नोटबुक, इसे मुझसे दूर रखो। क्या बकवास है, हमें एक दूसरे के साथ बैठना जरूरी है। ये गिफ्ट था। जरा रुको, मुझे अपनी परफ्यूम बॉटल देखनी है, इससे मुझे एक आइडिया आया। हाँ शायद ये काम करे, बहुत बढ़िया रहेगा। मुझे एक पिंक कार्ड की शीट चाहिए, पहले इसे फोल्ड करेंगे, इसके कोने एकदम बराबर होने चाहिए। अब मुझे एक ब्लैक पेन चाहिए, एक लंबा सा रेक्टेंगल बनाएंगे, इसके एजेस कर्व्ड होंगे, ये इसका जार होगा। अब कार्ड पर स्टिकर्स लगा देंगे, ये एकदम कलरफुल होना चाहिए। अब जार को काट लेंगे, ढक्कन को ऐसे ही रहने देंगे। अगले पार्ट के लिए मुझे जिपलॉक प्लास्टिक बैग चाहिए, इसके टिप को पकड़ लेंगे और इसमें शैम्पू डालेंगे, बस डल ही गया। और अब इसमें ग्लिटर डालेंगे, ये चमकना चाहिए। बैग को सील कर देंगे, ऊपर से फोल्ड कर देंगे और शैम्पू और ग्लिटर को साथ में मिक्स कर देंगे। मजा आ रहा है। इसे कार्ड के अंदर लगाएंगे, होल कवर होना चाहिए। अब इसे यहीं पर चिपका देंगे, हर कोने पर टेप लगा देंगे, इससे यहाँ पर टिका रहेगा। अब डबल साइडेड टेप की एक स्ट्रिप चाहिए, इसकी बैकिंग निकाल देंगे। मैंने बहुत सारे पेपर्स को साथ में स्टेपल किया है, इसे डबल साइडेड टेप पर लगा देंगे। ये रही मेरी नई नोटबुक, जरा इस ग्लिटर को हिलते हुए तो देखो, इससे मेरा स्ट्रेस कम हो रहा है, मैं तो इससे बहुत खुश हूँ। हाँ तुमने क्या कहा? वो मुझे विश्वास नहीं हो रहा, उसे कहाँ से मिला? मुझे भी एक कोल नोटबुक चाहिए, बस कोई देखना ले, मुझे जल्दी करना होगा। तुम क्या कर रही हो? अब जरा ये देखो। ये क्या है? मेरी सुपर कूल नोटबुक, ये बहुत सॉफ्ट और स्क्विशी है। मैं इसे देख भी नहीं पा रही, इससे मुझे एंजाइटी हो रही है। शुक्रिया मेरी नोटबुक मेरे पास है। ये स्मेल कैसी है, पूरी बदबू है और वो बढ़ती जा रही है। मुझे पता होना चाहिए था। क्या हुआ? ये तो नेचुरल है और बहुत अच्छी खुशबू है। मेरे पास एक चीज है, ये इस्तेमाल करो थोड़ा ज्यादा। ठीक है, अब तुमसे स्मेल नहीं आएगी। शुक्रिया। ये तो वैसे ही है जब हम पहली बार मिले थे, मेरा तो पर्सनल हाइजीन तब भी खराब था। वो बहुत रोमांटिक था, मुझे किस करो? मैं ना तो नहीं कहूँगा। या
बकवास है। हाँ? ओ, ओ, हाय हनी। माफ करना। तो अब मैं क्या करूँ? एक मिनट रुको, लगता है मेरे पास एक आइडिया है। ये सुनो डियर। ये क्या कर रही है? समझ गई, चलो काम पर लग जाए। पहले डिओड्रेंट अलग करेंगे, बिल्कुल इसी तरह। अब कंटेनर में पेंट डालेंगे। अब रोलर को वापस लगा देंगे। जब इसे पेपर पर प्रेस करेंगे पेंट निकलेगा, जैसे पेंट ब्रश हो, और इससे आर्ट बहुत अच्छा बनेगा। जरा इसे देखो, इसे फ्रेम में होना चाहिए। जरा ये देखो, ये लाजवाब है। हम दोनों ने मेहनत की। वाओ! हम इसे लिविंग रूम में टांग सकते हैं। ये ग्रैंडमा के फोटो की जगह पर आएगा। बस करो, ये टाई है, हम इसके हकदार हैं। अब तो किस कर दो। आह, मुझे नींद आ रही है। एमा, यूहू! बढ़िया मॉम, मैं जरा झपकी ले लूं। देखो, मैं अपनी जीभ से अपनी नाक छू सकता हूँ। देखा, क्या टैलेंट है। तुम ये कर सकते हो, मेरी नजरें तुम पर हैं। अरे वाह, तुम पर पिंक जचता है। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। बहुत अच्छे डैड, अब आवाज मत करो, मुझे सोना है। मुझे लगा ये काम करेगा। हमने अपनी पूरी कोशिश की। ओह, शैडो पपेट्स कैसे रहेंगे? शैडो पपेट्स अच्छी है ना? अपने पहले क्यों नहीं किया? बहुत मजा आ रहा है। शैडो पपेट्स बना रही हो? हाँ, इतना भी मुश्किल नहीं है। ओह, मेरे पास एक आइडिया है। हाथ को पेपर पर रखकर इसके आसपास ड्रॉ करेंगे। अब बस डिटेल्स बनानी है, जैसे इसकी आंखें। ये एक ड्रैगन है, अभी ये पूरा नहीं हुआ, इसमें कलर करना होगा। फ्लेम मत भूल जाना। जरा ये देखो। वाओ! मुझे लगा तुम्हें पसंद आएगा। मैं बलून आर्ट ट्राई करने वाली हूँ। ये एक डॉग है। हे, पीछे रहो, भागो यहाँ से। क्या शो है, अब दोनों जीते। देखो, शानदार। मैं चाहती हूँ मेरे बाल खूबसूरत दिखे। मैं समझ गई। पकड़ो। हम इनका क्या करें? मैं पेंसिल्स इस्तेमाल कर सकती हूँ, और ये हेयर बैंड्स, शायद ये काम करेगा। दो पेंसिल्स पर हेयर बैंड बांधे, इसे अच्छे से सिक्योर करें। दूसरे कोने पर दूसरी पेंसिल लगाएंगे। हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। अब इस कपकेक ड्राइंग पर पेंसिल रखेंगे और ट्रेस करते जाएंगे। दूसरे पेंसिल से इसकी कॉपी बनती जाएगी। जरा इसे देखो, अब बस इसे कलर करना है और लाइंस के बीच ही रहना। ये बहुत अच्छा दिखने वाला है। लो, पूरा हो गया। तुम्हें पसंद आया? ये वाला मेरा है, जरा मुझे भी दिखाओ। वाह, तुम तो बहुत तेज हो। मैं क्या करूं? मैं पेंसिल्स को साथ में जोड़ता हूँ और इसे कैटापल्ट जैसे इस्तेमाल करेंगे। ये लो। ध्यान से, रुक जाओ। आउच। आउ। मुझे चक्कर आ रहे हैं। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था। बढ़िया शॉट था डैड, और ये है हमारे विनर। बहुत बहुत शुक्रिया हनी। मैं कहाँ हूँ? तुम तो एक जोकर हो। ये क्रेयॉन्स बहुत अच्छे हैं। ये लो मम्मी। क्या फेंका है? मैंने पकड़ लिया। ये बहुत आसान है। मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। ये सब टूटे हुए हैं। गुड लक। कोई बात नहीं, मेरे पास ग्लू है। मैं DIY में माहिर हूँ। ये बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। चलो ट्राई करें। ऐसे दिखाओ कि कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मेरे पास एक बैकअप प्लान है, मैं ये इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये कैसा मजाक है? ये काम नहीं करेगा डैड। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, अब एक ही चारा है। हनी, हमर नीचे रखो। मैं जानता हूँ क्या करना है। एक मिनट रुको,
एक बेहतर आइडिया है। इस बटरफ्लाई टेम्पलेट पर मैं चौक को फैला दूंगा। अब इसके ऊपर एक प्लास्टिक शीट रखेंगे। अब थोड़ी टेंशन कम करेंगे। मेरे हिसाब से इसे आर्ट कहते हैं। हम बाद में बात करेंगे, मैं अपने आर्ट पर फोकस करती हूँ। इतना भी पूरा नहीं है। मैं अभी पूरा हो गया। टेम्पलेट हटा देंगे। ये अच्छा लग रहा है, तुम्हें पसंद आया? या फिर तुम्हें मेरा वाटरमेलन पसंद आया? ओह, ये मुश्किल है, ये टाई हुआ। मुझे चलेगा। बहुत अच्छे।